This is first year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. فادي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا अपना कुल नहीं कुल नहीं अम्मा बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को याद है हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? जी जी तो हमने बीच का एकदम अपना छोड़ देना है और हम यहाँ एक दरसालस वशरून से पहले ममनू मेरा सर्फ के नाम से दो पेजेस हैं, तो इन दो पेजेस को हम पहले देखेंगे और ये वही है जो हम लोग पीछे बात करते आए हैं बस अलग अंदाज में। मतलब दोबारा से आप लोग पिछली क्लास में बताया था उसको दोबारा बता देता हूँ और फिर हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गैर मुनसरिफ के हम लोगों ने तकरीबन सात या छः सात असबाब पढ़े हैं, आप लोगों ने सात असबाब पढ़े और जरा बताना शुरू करें। सबसे पहला सबब गैर मुनसरिफ का। जी जी चलें किताब के हिसाब से चल लेते हैं। किताब में ना इन्होंने एक चीज नहीं लिखी उसके अलावा बाकी सब लिख दिए, तो पहले वो वाले लिख देते हैं मारिफा। मारिफा और मारिफा में कौन सी चीज? हलम। हर मारिफा नहीं होता गैर मुनसरिफ, हर मारिफा यानी मारिफा होना सबब नहीं है। मारिफा के अंदर सिर्फ हलम जो होते हैं वो आलम होना सबब है बस, जिसको हम आलमियत भी बोलते हैं कि आलमियत आलम होना सबब है। इसके बाद अगली चीज तानीस। तानीस और तानीस जो है वो दो तरह से आती है, एक थी ताए मरबूता और दूसरी अलिफ ममदूदा। इसके बाद ये दो हो गए ताए मरबूता, जिसकी मिसाल लेनी हो ताए मरबूता की तो बाहर इस पे हम आ जाएंगे पढ़ेंगे। तीसरा सबब किताब के हिसाब से चल जी, ये हम बस लिख लेते हैं फिर हम देख लेंगे किताब का ना। बड़ा लिखूं ये दोबारा लिखूं या सही है आगे बड़ा लिखूं? जी मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा मारिफा, मारिफा के अंदर हलम, उसके बाद तानीस और तानीस के अंदर ताए मरबूता और अगर छोटा दोबारा होने लगे मुझे बता दीगा मुझे इतना अंदाजा नहीं रहेगा अलिफ ममदूदा। ठीक है ताए तानीस में दो तरह की तानीस होती है ताए मरबूता और अलिफ ममदूदा। इस तरह एक तीसरी चीज लिखते हैं हजम। हजम हजम का मतलब किसी गैर जबान से होना। इसके बाद चौथी चीज याद है नजर आप लोगों को अलिफ नून जाएदतान। ठीक है तो अगर किसी लफ्ज के अंदर जायद हरूफ में अलिफ और नून हो तो वो ऐसा होता है। ठीक आवाज बहुत कम आ रही है जरा जाए ना उनको बताएं बोले आवाज ऑनलाइन सही नहीं जा रही। ऑनलाइन सबको इशू हो रहा है या सिर्फ एक स्टूडेंट को हो रहा है मुझे बता दें? बाकियों का आवाज ठीक है या सबके साथ इशू है? सही है हल्की तो नहीं आ रही आवाज बिल्कुल सही है जैसे आती है। चले अलिफ नून जायद अतान पांच चीजें हो गई चार चीजें हो गई पांचवी चीज बताइए सिफ्ट कह लें। चले सिफ्ट यानी उसका किसी चीज की सिफत बनना बनने के काबिल होना। थर्टी चीज जी जमा और जमा में क्या जमा में मुंतही अल जुमू का सिगाओ यानी जमा की इंतहा का सिगाओ तो जाके गैर मुनसरिफ बनता है। इसका एक सीखा हमने पढ़ा है और वो क्या है जिसके एंड में
दो हरफों, अलिफ के बाद दो हरफों, ऐसी जमा जिसके एंड में अलिफ के बाद दो हरफों, तो वो क्या है? मसा जीदू, ठीक है, मसा जीदू, जीम और दाल, अलिफ के बाद क्या है? जीम और दाल। एक और चीज होती है, इसका दूसरा सीखा क्योंकि अभी लिखा हुआ है इन्होंने, तो बता देता हूँ, या तो अलिफ के बाद दो हरफों या अलिफ के बाद ऐसे तीन हरफों जिनका बीच वाला साकिन हो, ठीक है, या तो अलिफ के बाद है ही दो हरफ, क्या है? जीम और दाल, या तीन हरफों और उनके बीच वाला साकिन हो। मिसाल के तौर पे मना दील, ठीक है, ये अलिफ आ गया, अलिफ, अलिफ के बाद दाल है, या है और लाम है, तीन हर्फ आ गए अलिफ के बाद, और बीच वाला क्या है? साकिन, बीच वाले पे सुकून है, तो मना दी लू होगा, मना दी लुन नहीं होगा, और मना दी ली भी नहीं होगा, ठीक है, बात वाजे वाली, क्या था इसमें? अच्छा, इसके बाद सातवीं चीज, कोई भी बता दें, जो दो रह गए हमारे जी, वजने फेल, वजने फेल, और अभी तक हम लोग जो वजने फेल पढ़ा है वो एक ही है, तो उसी को रख लें जहन में, अफहलू की तरह हो कोई भी चीज तो वो वजने फेल पे आएगी, यानी अहमदू। और साथ पढ़े ना बस हमने, ठीक है, जी नहीं नहीं मैं आ रहा हूं उस पे ना। अच्छा देखिए, ये सात सबब हैं जो आप लोगों ने पढ़े, दो और होते हैं, जब आएंगे तो पढ़ लेंगे। सर हमर नाम होता है ना, तो हमर भी गैर मुनसरफ होता है वो किसी वजह से, और इस तरह से कुछ और नाम होते हैं वो गैर मुनसरफ होते हैं, उनकी एक वजह होती है, वो आदिल कहलाती है वजह, वो एक अलग चीज़ है। और फिर होता है एक तरकीब, वो एक अलग तरह से अरबी में बाज़ नामों को जोड़ के एक नाम बना दिया जाता है बगैर किसी उस तरह के, जिस तरह एक वो नाम मिसाल दी जाती है, मैंने कभी इस तरह के गैर मुनसरफ कभी नहीं पढ़े आज तक, बस वो किताब में पढ़े कि वो होता है, यानी कभी वैसे पढ़ने में नहीं आए। बहाला बक्का के नाम से वो कहते हैं कि गैर मुनसरफ होता है, दो अलग मतलब दो असबाब और हैं, उनको फिलहाल हम नहीं पढ़े क्योंकि किताब में है नहीं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उसकी, हम एप्लीकेशन भी नहीं देख पाएंगे। एक बता दिया हमर, और इस तरह के कुछ नाम होते हैं जिनमें एक आदल एक वजह होती है जिस वजह से ऐसा हो रहा होता है, बहरहाल वो पता होने की तफसील में ज़रूरत नहीं है। ये सात है, इन सात में से किसी भी इसम के अंदर, इसम फेल के अंदर नहीं, हर्फ के अंदर नहीं, किसी भी इसम के अंदर इन सात में से दो सबब जमा हो जाएं तो वो गैर मुनसरफ हो जाएगा, ठीक है, किसी के भी अंदर इन सात में से दो सबब जमा हो जाएं तो वो गैर मुनसरफ हो गया, इल्ला अलिफ ममदूदा वाला और मुंतहिल जुमू वाला। किसका मतलब मुंतहिल जुमू? मुंतहिल जुमू जमा की इंतहा, ठीक है, मुंतहिल जुमू यानी ऐसा जमा का सीगा जिस पे जमा की इंतहा हो जाती है। अरबी में ना हम लगा सकते हैं जमा पे की भी जमा आती है अरबी के अंदर, ये अरबी का एक उसलूब है, उर्दू में ऐसा होता नहीं है, जमा की भी जमा आती रहती है, एक सीगा एंड में आएगा कि जो इंतहाए जमा होगा जिसके बाद मजीद जमा नहीं आ सकती वो कहलाता है मुंतहिल जुमू, और उसके दो अवज़ान है बस यही है, दो दो वजन, मफाहिलु और मफाहिलु। ममदूदा के माने अलिफ साकिन हो और उसके बाद हमजा हो, ठीक है, ये सात हमारे पास सबब है, दो कहीं भी जमा हो जाएं किसी भी इसम के अंदर गैर मुनसरफ हो गया, इलावा ये आपका अलिफ ममदूदा और मुंतहिल जुमू जमा का, ये अगर एक भी किसी में आ जाए ना अकेला काफी होता है उसको गैर मुनसरफ करने के लिए, तो इन दो के अलावा दो सबब चाहिए, अगर ये आ जाए तो ये एक ही कायम मकाम है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा सबब है जो दो सबब के कायम मकाम है, ठीक है, हम बोलते हैं तानीस जो है ना अलिफ ममदूदा वाली वो इतनी भारी तानीस है कि उसको कोई और सबब चाहिए ही नहीं, और मुंतहिल जुमू का सीगा वो इतना भारी सबब है कि वो अकेला ही काफी हो जाता है। ये मिसाल के तौर पर समझे ना कि एक दरवाजा है जिसको खोलने के लिए दो लोग चाहिए, लेकिन दो बहुत ताकतवर लोग हैं जो अकेले खोल सकते हैं, तो ये उस तरह से उसकी मिसाल ले लें, वाजे बात। अब जरा आए किताब की तरफ, तो आप जो पूछ रही थी ना कि आलम हर तरह का नहीं होता, आलम वो आलम होगा जिसमें कोई और सबब भी पाया जाएगा, चले अनवाउल आतिया मिनल अस्माइल ममनुआत मिनस सर्फ, आने वाले जो नाम है
वो आने वाली जो कैटेगरीज मैंने लिखी हुई है वो ममनू, मैंने सर्फ वाले असमा लिखे हुए हैं उसके अंदर। तो पहला अव्वल ज़ैनबु, मरियमु, फातिमतु, आयशतु, मक्कतु, जुद्दतु। आलम मीन्स नेम प्लेस जी, पर्सन प्लेस के नाम जी, जानवरों के भी नाम वो बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जिसे इंग्लिश में नेम प्लेस एनिमल या किसी थिंग का प्रॉपर नाउन हो जी। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी। नहीं हाँ अर्रिजाल, अर्रिजाल मारिफा है ना, अर्रजुल है तो मारिफा ना इसम जी। नहीं ना, अर्रजुल क्या है, मारिफा है या नकिरा है, तो दो भी है लेकिन मारिफा है ना, तो वो फिर आप ये भी लगाओ ना कहते कि वो फिर जिस जिन्स की कैटेगरी में भी ना हो और ये भी ना हो, तो वो फिर लगा के कह दो आप। एनिमल्स के नाम तो गैर मुंसरिफ नहीं होते, अल्लाह आलम मैंने नहीं, नहीं हाँ एनिमल्स के नाम नहीं गैर मुंसरिफ नहीं होते, सही है बात जी। अफ अफ़ालू, अफ़ाल फिर लाम पे तो अराब पे डिपेंड करेगा ना। चले इसको देखते हैं, क्लियर क्लियर होंगी चीजें। तो पहला देखें यहाँ क्या नाम लिखे हैं, सबसे पहली लाइन में ज़ैनब, मरियम, फातिमा, आयशा, मक्का, जुद्दा। ठीक है, अब ये देखें ज़ैनब जो नाम है इसमें सबसे पहली जो सबब है वो क्या पाया जाता है, आलम। ठीक है, दूसरा सबब इसमें पाया जाता है तानीस का, अगर से यहाँ लिखा है कि ताए मरबूता होना चाहिए, और कहाँ पे यहाँ लिखा है ना ताए मरबूता और अलिफ ममदूदा होना चाहिए दोनों, लेकिन जाहिर है जो मोनस सिमाई है वो भी उसमें शामिल ही है ना, क्योंकि उस पर कोई जाहिर कोई अलामत नहीं होती, तो मोनस तो है ना जैनब, मोनस क्यों है, सिमाई तो नहीं है, मोनस हकीकी है ना, हकीकी मोनस क्या होता है, मोनस हकीकी, मोनस हकीकी क्या होता है, नहीं जी मौन, एक होता है मोनस हकीकी, मोनस हकीकी वो होता है कि जिसके कंपैरिजन में उसका मेल काउंटर पार्ट या मेल ऑपोजिट मौजूद हो। ठीक है, यानी एक ऐसी चीज जिसका मेल मौजूद हो, मिसाल के तौर पे अगर हम जिन्स के एतबार पे बात करते हैं खवातीन, तो उनके लिए मर्द मौजूद है जो उनका ऑपोजिट जेंडर है। इस तरह अगर आप जानवरों में देखें तो वहां भी आपको ऑपोजिट जेंडर मिलते हैं, तो वहां पे जिसका भी ऑपोजिट जेंडर मौजूद है ना वो मोनस हकीकी होता है। अब ये पेन है, इसका कोई ऑपोजिट है कोई जेंडर में, नहीं ना, सूरज, सूरज अरबी अरब उसको मोनस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब अरब शम्स को मोनस बोलते हैं, लेकिन शम्स का कोई मुजक्कर है, सूरज का, शम्स मोनस है, सूरज मोनस है, उसका कोई मुजक्कर अरब क्या मौजूद है कि कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो सूरज का मेल ऑपोजिट हो, नहीं, तो वो मोनस हकीकी नहीं है। ये मिसाल के तौर पर घड़ी में बोलूं तो घड़ी भी मोनस है ना, साहा, क्या इसका कोई मेल ऑपोजिट मौजूद है, नहीं, तो ये कौन सी मोनस है, गैर हकीकी। और मिसाल के तौर पे बिल्ली, बिल्ली मोनस हकीकी होगी या मोनस गैर हकीकी होगी, हकीकी होगी क्योंकि उसके कंपैरिजन में बिल्ला मौजूद है। सना जानवर आप देखें शेरनी, तो उसका भी शेर मौजूद होगा आपके पास, हर किसी का जिन जिसका एक हकीकतन एक मुजक्कर मौजूद हो वो मोनस हकीकी होता है। तो मोनस हकीकी में बाज़ दफ़ा अलामत होती भी नहीं है, मोनस सिमाई भी शम्स कह लें उस पर अलामत होती ही नहीं है, तो वो यहाँ लिख ही नहीं सकते ना। तो बहरहाल इस बात को भी समझ लें कि अगर मोनस भी है ना कोई भी किसी भी तरह का, तो वो एक सबब बन जाता है उसका। अच्छा, तो ज़ैनब में क्या सबब है, आलम और तानीस, मरियम, आलम और तानीस, इसकी तानीस जो है वो कैसे जाहिर हो रही है, वो हकीकी तानीस इसके अंदर मौजूद है, यानी वो हकीकतन मरियम एक ऐसी चीज का नाम, एक ऐसी औरत का नाम है जिसका काउंटर में मेल हमारे पास मौजूद है, तो हकीकतन हमें पता है कि ये मोनस है। फातिमा आलम और तानीस दोबारा, और प्लस ये मोनस हकीकी भी है, प्लस इसकी जो तानीस है वो ताए मरबूते से जाहिर भी हो रही है, तो डबल तरह से तानीस जाहिर हो रही है, पता चल रहा है जी, कुछ कह रहे हैं ठीक है। आयशा आलम तानीस, मक्कतु जुद्दतु, आलम तानीस, ठीक है, आलम तो नाम है क्योंकि मक्का और जुद्दा, जद्दा का नाम,
इसके बाद तानीस क्यों है? ताए मरबूता। अगर से हकीकतन मोनस नहीं है, जद्दा मक्का हकीकतन मोनस नहीं है, लेकिन ताए मरबूता है तो मोनस शुमार होते हैं, जिस तरह साहतन होता है। अब ये घड़ी का कोई हकीकी मोनस तो मौजूद नहीं है, मुदक्कर तो मौजूद नहीं है ना, तो हकीकी मोनस तो नहीं है, लेकिन गैर हकीकी है और मोनस है, तो मक्का और जद्दा दूसरी कैटेगरी। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क बता रहे हैं पिछली और इस वाली में, क्या फर्क है? अब नीचे बता रहे हैं हमजतु, उसामतु, मुआवियतु, तलहतु, ये चार नाम, इनमें गैर मुंसरिफ होने के क्या सबब है? जी हालम और तानीस। लेकिन तानीस जो है ना, इनकी तानीस लफ्जन है, मानन नहीं है, ठीक है? इस जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे ना, जब वो आदत लाते थे और क्या करते थे, तो अगर अगर से ये मुजक्कर है और मतलब, लेकिन ये जो लफ्ज है ना हमजतु, ताए मरबूता है ना उसके अंदर, तो वो लफ्जन मोनस है, माना के एतबार से मुजक्कर है, और हमारा जो आम तौर पे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है वो माना के एतबार से होता है। ये हुआ हमजतु बोलेंगे, या हमजतु नहीं बोलेंगे कि लफ्जन मोनस है, उसके लिए माना के एतबार से सब कुछ इस्तेमाल होगा। जब सिर्फ गैर मुनसरिफ के लिए लफ्ज को देखेंगे तो हकीकी एतबार से देखेंगे। मरियमों में दोनों असबाब कौन से हैं? मरियम में पहला सबब है आलम और दूसरा सबब है तानीस। तानीस क्यों? क्योंकि मोनस गैर मोनस हकीकी है, इसका एक मुजक्कर मौजूद है ऑपोजिट। जी वाजे। तो अगला देखें, उस्मानु, अफ्फानु, सुफियानु, मरवानु, नुमानु, सारे गैर मुनसरिफ हैं। क्यों गैर मुनसरिफ हैं? आलम और अलिफ नून जायदतान, अलिफ नून जायदतान, ऐसे अलिफ नून जो जायद हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज होता है इखवान, इखवान में नहीं होते वो, इखवान के अंदर इखवान गैर मुनसरिफ नहीं है। बहरहाल वो फिर एक अलग बात है कि उस छोड़े, इखवान वाली मिसाल को छोड़ दें। उस्मान, अफ़फ़ान, सुफियान, मरवान, नुमान, ये जो पांच हैं, जी बोले, ये जो पांच हैं अलिफ नून जायदा तान भी है और हलम भी है इनके अंदर, इसके अंदर, ठीक है? चले इखवान की बल्कि मिसाल ले लेना, अब मैंने जिक्र कर दी। इखवान अलिफ नून जायद है, इखवान में है जायद लेकिन हलम नहीं है, इखवान जो है आलम नहीं है। और यहाँ पूरा बोर्ड आप देख लें, कोई और सिफत मिल रही है, आप कह सकते हैं जमा है, लेकिन मुंतहिल जुमू का सीगा तो है ही नहीं, तो वो आलम तो है लेकिन वो सॉरी वो अलम जायद तो है लेकिन और कोई सबब नहीं है उसके अंदर, तो गैर मुनसरिफ नहीं हुआ। इसी तरह अगली मिसाल लें, कसलानु, जवानु, अफशानु, शबहानु, मलानु। कसलान किसे बोलते हैं? सुस्त को। जवान भूखा, आतशान प्यासा, शबहान, नहीं, शबहान मेरे ख्याल में बोलते हैं जिसका पेट भरा 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 हुआ होता है ना, उसने पेट भर लिया। मलआन भी उसी को बोलते हैं, शबहान देख लीजिए, मैं भी देख लूंगा। मेरे ख्याल में जिसका, यानी जवान भूखे को बोलते हैं ना, कि जिसको प्यास लग रही थी उसने खाना खा लिया, तब वो शबहान हो गया। अच्छा मलआन बोलते हैं भरे हुए को, थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है कि मलआन मिसाल के तौर पर शबहान जो है ना, वो आप अगर मैं बात सही कर रहा हूँ तो वो आप किसी मतलब इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे। मलआन जो है वो कंटेनर के लिए इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों के लिए, यानी ये घर ग्लास जो है मलआनू, ठीक है? या कोई भी चीज़ आप उसके लिए कह सकते हैं, कोई कोई भी, यानी टंकी जो है ऊपर वो मलआनू, तो ये आमतौर पर गैर आके लिए इस तरह की चीज़ों के लिए मलआन इस्तेमाल होता है। तो शबहान और मलआन, इनमें गैर मुनसरिफ होने के क्या सबब है? अलिफ नून जायदतान और सिफ्त। शेख इखवान का जो हमजा का फर्क है वो बता दें, मुझे सवाल वाजे नहीं हुआ, हमजा का क्या फर्क है इखवान के अंदर? इखवतुन, तस्निया का इखवान कौन सा? मुझे सवाल जरा वाजे करके पूछ लीजिए, मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल, ठीक है? वाजे। कसलान जवान, कसलान किसे बोलते हैं? सुस्त को ना, जवान भूखे को, ये है ही सिर्फ, ये अपने तौर पे इस्तेमाल हो ही नहीं सकती ना, ये सिफत के लिए ही है ये नाम। क्यों? मिसाल के तौर पे कोई इंसानी भूखा होगा, कोई जानवर भूखा होगा, और मतलब भूख अपने आप में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, कोई चीज किसी इंसान के साथ सिफत बनी हुई होगी, तो ये सिफत है, ठीक है? तो कसलान, जवान, हतशान, शबहान, मलआन, सिफत और अलिफ नून जायदा तान रहेगा तो सिफत भी गैर मुनसरिफ होगा। सिफत और अलिफ नून जायदा तान रहेगा तो सिफत भी गैर मुनसरिफ होगा, क्या माना होगा? सिफत और अलिफ नून जायदा तान रहेगा तो सिफत भी गैर मुनसरिफ होगा।
सिफत में अलिफ नून आ रहा है जी, तो वो सिफत गैर मुनसरिफ होगी, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, ये वाजे ना ये वाली बात, इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी का कि क्या हो रहा है। आगे देखें, अहमदु अनवरु अकबरु असादु, जी अहमद अनवर अकबर असाद, तो ये सारे के सारे क्या है, आलम है और वजन फेल, वजन फेल अफालू का वजन, अहमदु अनवरु अकबरु असादु। ठीक है, नीचे देखें, अबयदु, अबयद कहते हैं सफेद को, अस्वद कहते हैं काले को, अहमर कहते हैं रेड को, असफर कहते हैं येलो को, अखदर कहते हैं ग्रीन को, अरजक कहते हैं ब्लू को, ब्लू को अरजक कहते हैं ब्लू को। ये सारे के सारे कलर्स हैं, कलर्स भी सिफती होते हैं ना, कलर्स अपने आप में नहीं एग्जिस्ट करते, वो किसी चीज का कलर ही हमेशा ये होगा, यानी पेंट है तो उसका कलर होगा ब्लू ग्रीन रेड, कोई इंसान है उसके कपड़ों का कलर होगा, तो ये सिफत है। ठीक है, ये सिफत बताती है किसी चीज की। तो अबियद अस्वद अहमर असवर अखदर अरजक, ये सारे के सारे सिफत हैं और अफालों के वजन पे हैं। तो ये देखिए ना, आपके लिए आसानी क्या की हुई है, उन्होंने नंबर वन लिखा है, नंबर टू लिखा है, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फोर के अंदर अहमदु अनवरु अकबरु, नंबर फोर की अलिफ, जिस तरह हमारे यहाँ इंग्लिश में होता है ना, हमारे यहाँ जिस तरह हम बोलते हैं ना पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, तो अरबी अरब क्या क्या होते हैं, उनके यहाँ कलमात होते हैं अबजद, अबजद अलिफ बा जीम दाल, और फिर उनका एक वो अबजद जिस तरह ये कायदा होता है ना, तो ये नाम भूल रहा हूँ, वो एक तरतीब होती है, एक अबजद वाली तरतीब होती है अरबी के अंदर, जिस तरह हमारे ए बी सी डी वाली तरतीब होती है ना इंग्लिश के अंदर, उनके यहाँ एक अबजद एक अलग तरह की तरतीब होती है, इसमें अलिफ पहले आता है बा बाद में आता है जीम दाल इस तरह से चलता है। तो जब कभी भी उन्होंने ए बी सी डी लिखना होता है ना, माइक ओपन कर दें, मेरी आवाज आ रही है ना, अच्छा आप लोगों का, जी मैं कर देता हूँ माइक ओपन। अच्छा तो अरब क्या करते हैं, पार्ट ए को लिखते हैं अलिफ, पार्ट बी को लिखते हैं बा, पार्ट थ्री को लिखते हैं, पार्ट सी को लिखते हैं जी, फिर दाल, फिर आगे इस तरह चलाते हैं वो। तो ये जो आपके पास लिखा है फोर का पार्ट ए जो है क्या है, अहमदु अनवरु अकबरु असादु, इसमें क्या खासियत है, ये वजने फेल है और आलम है। उसके बाद जो पार्ट बी है वो दोबारा वजने फेल ही है, लेकिन उसमें क्या खासियत है, अब वो सिफत के साथ है। ठीक है, नीचे आए पांचवे पे, पांचवी कैटेगरी, विलियमु एडवर्डु लंदनु बारीसु पाकिस्तानु, जी सारे के सारे आलम हैं और हाजम हैं, सब गैर मुनसरिफ बन रहे हैं। बगदादु इब्राहिमु इस्माइलु इसहाकु याकूबु यूनुसु यूसुफु। अब यहां देखें इस्माइलु, या चलें इस हाँ इस्माइल देखें, तो ये आपको दिखने में शायद लगे कि ये मनादिलु वाला है, कि अलिफ के बाद तीन हर्फ आ रहे हैं जिसका बीच वाला साकिन है, ऐसा लगेगा ना इस्माइलु, लेकिन ये जमा का सीगा नहीं है, हाँ नाम है, यानी मैं बता रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा वजूहात जो है वो गलत लग सकती है किसी को, कोई इसको देख के बोले तो मुंतहिल जुमू का सीगा है, नहीं उसको जमा भी होना चाहिए, सही है। और इसी तरह अगर आप देखें पाकिस्तानु, पाकिस्तान में भी तो अलिफ नून आए हुए हैं, ये अलिफ नून ज़ायदा तान होंगे, अगर मैं बोलूँ हजम और अलिफ नून ज़ायदा तान सही होगा, नहीं ये अलिफ नून ज़ायद है ही नहीं, ये पूरा नाम पूरा का पूरा नाम इम्पोर्ट हुआ एक जबान से, और ज़ायद कुछ नहीं है, वो ऐसा ही था उस जबान के अंदर। ठीक है, तो इसमें सबब क्या है, आलम और हजम। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, जब कभी पेपर में कोई सवाल आया, कभी वैसे हो ना जब समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम अलिफ नून देख के बोल देंगे अलिफ नून ज़ायदा तान, मेरे साथ भी हो जाता है बहुत दफ़ा कि बोल देते हैं इस तरह कुछ भी, लेकिन सबब हर चीज़ के अलग हैं। ठीक है, वाजे बात, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन, जी ऑनलाइन जो बहन सवाल करना चाह रही थी, माइक आपका खोल दिया, सवाल कर लीजिए। जी चले आगे, छठी चीज, अग्नियाउ अस्तिकाउ अक्वियाउ अतिब्बाउ, ठीक है, फुकराउ वुजराउ जुमलाउ उलमाउ। ठीक है, अब अग्नियाउ अस्तिकाउ अक्वियाउ अतिब्बाउ, ये सारे के सारे देखें अग्नियाउ, इनमें क्या सबब है, अलिफ ममदूदा और सिफ्त, अग्नियाउ अग्निया चले अतिब्बाउ, अतिब्बाउ में क्या सिफ्त है, अलिफ ममदूदा अपने आप में काफी है, अलिफ ममदूदा अपने आप में काफी, अग्नियाउ में सिफत होना वजह नहीं है, ठीक है, सिफत होना सबब नहीं है,
उसकी कुछ तफसीलात भी हैं सर। यहाँ के गैर मुंसरफ होने के क्या यबान आलम और अजम। माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आपको दे दिया है वो, अब आप कर लीजिए अपना माइक अनम्यूट। चले अग्नियाउ अस्माउ अक्वियाउ अलिफ ममदूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं बोली थी एक बार उसका फर्क बता दें, वो जो आपने इख्वानुन में बताया था ना कि हम अलिफ पर अगर हमजा ऊपर होगा और नीचे होगा तो उसका फर्क बता दें। कौन सा अलिफ? इख्वानुन में वो दो थे ना, एक में हमजा अलिफ के ऊपर था एक में नीचे था। हाँ इख्वान, इख्वानु और अखवानी। इख्वानु अखुन की जमा है और अखवानी अखुन के तस्के है। अखवानी, अखवानी नून पे जेरी आता है उसके, ठीक है। अखवानी अखवानी और जमा इख्वानु, इख्वानुन, इख्वान नहीं मैं भी हो जाता है जी। तस्निया में एक और चीज भी आता। हाँ तस्निया में जेरी आता है तो बताया होगा ना मैंने, वो एक जगह अखवानी था और एक जगह इख्वानुन था। हाँ चले हम थे पुकाराउ वुजाराउ जुमलाउ उलमाउ। ये भी सारे के सारे देखें, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ अलिफ ममदूदा है सिर्फ सबब, और बस ये गैर मुनसरफ बन रहा है उसकी वजह से। और अलिफ ममदूदा अपने आप में काफ़ी होता है गैर मुनसरफ करने के लिए, बहुत भारी सबब है, ठीक है। और आपने गालिबन एक दिन सवाल किया था वो उसका अबना उनका, एक बहन ने भी जो सवाल किया था, आपने सवाल किया था अबना उनका ना, वो क्यों होता है? तो वो उसका मैंने आपको बता दिया था, वो कुछ अलग वजह होती है उसकी वो। हाँ जी हाँ उसी तरह है, अबनाउन जो है उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो ये वजह नहीं है, अफिलाउ वाली वजह नहीं है, उसमें वजह कुछ और है, ठीक है। सही अस्दिकाओ क्या है सर? अस्दिकाओ, अस्दिकाओ का क्या माना होता है? दोस्तों की जमा। अक्वियाओ, अक्वियाओ कवियों की जमा, बहुत सारे ताकतवर लोग। अतिबाउ डॉक्टर्स, ठीक है। फुकराउ वुजराउ जुमलाउ उलमाउ। जीम मसाजिदु मदारिसु, क्या गैर मुनसरिफ क्यों है? मुंतहिल जुमू, और कोई है इसमें कुछ जमा है जी? और कोई भी सबब नहीं है इनके अंदर। और देखिए कैसी जमा है, अलिफ के बाद दो हर्फ हैं, मसाजिदु मदा रिसु पना दिकु मकातिबु दकाइकु, ठीक है। दकाइक मिनट्स, हाँ लम्हात। अच्छा उसके बाद इसकी दूसरी कैटेगरी मनादीलु मफातीहु फनाजीनु करासीयु जी, देखिए बता रहा हूँ जी जी। मनादीलु इसमें क्या वजह है? मुंतहिल जुमू है, कैसा अलिफ के बाद तीन हर्फ हैं, तीन हर्फ दूसरे पे सुकून है, और तीन में बीच वाला जो है वो साकिन है। फनाजीनू, मुझे इसका माना नहीं पता फनाजीन का जी। प्याली की, इसका वाहिद क्या है? फिंजानू, ये बता रही है फिंजानू प्याली को बोलते हैं, उसकी जमा है फनाजीनू। और करोसीयु कुर्सियों की जमा है, तो मनादीलू मफातीहु फनाजीनू करोसीयु, इन सब में क्या है? बीस वाला साकिन है और तीन हर्फ में बीस वाला साकिन है, तो ये करोसीयु जो है ना ये भी साकिन ही है। सीयु तजदीद है ना, तजदीद। अब आप बोलेंगे करोसीयु में बीस वाला साकिन का है, तो बेसिकली हो क्या रहा है? हाँ यहां लिख देता हूं करो सीयु, या जो है दो दफा आ रहा है, पहली दफा या साकिन है और जेर है, करो सी यू। ये तरीका होता है तशदीद जब लगी हुई होती है, तशदीद का मतलब क्या होता है कि लफ्ज दो दफा आ रहा है, एक दफा सुकून के साथ और एक दफा हरकत के साथ, तो बीच वाला जो या है वो साकिन है, तो करो सी यू में भी ऐसा ही है। वाजे ये चीज दकाइक कैसे? दकाइकु अलिफ के बाद हमजा और कौफ आ रहे हैं, तो अलिफ के बाद दो हरफ हैं और जमा के लिए आ रहा है, तो गैर मुनसरिफ हो गया। अच्छा उसी तरह मैं आपसे पूछा था इस्माइलु,
इस्माइलू, जिस तरह मनादीलू देखें या मफातीहू देखें, इस्माइलू, इस्माइलू में कहना ठीक है कि जमा है? नहीं, क्यों? क्योंकि इस्माइल जमा के लिए है ही नहीं ना, वो तो एक आदमी के नाम के लिए, तो दिखने में लग सकता है, हर दफा जरूरी नहीं है कि इस तरह की वजूहात हो। अब ऐसा करते हैं, आप लोग 3 से 4 मिनट ले लें और अगले पेज पे देखें, आपको काफी सारे नाम दिए हुए हैं जो गैर मुनसरिफ है ना, उनके ऊपर या उनको अंडरलाइन कर दें या टिक करें, जैसे भी अपने पास। फिर 8-6 मिनट रहते हैं क्लास में, तो 4 मिनट आप लोग ले लें, 2 मिनट में हम देख लेंगे कि क्या करना है इसका। सर, जीम और दाल, ये मुंतहिल जमा और दूसरा क्या है इसमें? अच्छा, ये मुझे नहीं पता इन्होंने एक साथ क्यों लिखे हुए हैं जीम और दाल को, या तो शायद इसलिए लिखे हुए हैं कि ये एक सब एक उसके कायम मकाम होते हैं। बहरहाल, जीम और दाल दोनों में जमा ही मुराद है, मुंतहिल जमा का सीगा ही मुराद है, जिसमें आपके सामने दो लिखे हुए हैं, मसाजिदु और मनादीलु। वो जेर नहीं लगा हुआ, वो हर्फ लगा हुआ, दीली नहीं है, मनादील। तो मनादील 3 हर्फ जिसमें बीच वाला साकिन, या मसाजिद अलिफ के बाद बस 2 हर्फ। फनादीक होटल्स की जमा है, फंदक होटल को बोलते हैं फनादीक होटल्स। खालिद क्यों सिर्फ होगी? खालिद आदमी का नाम है ना, मुझे नहीं पता खालिद का नाम, मतलब खालिद बहादुर वगैरह पता नहीं किस नाम से। क्या क्या? जी 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 नहीं। जी हो गया, चले आगे। ठीक है, तो मुहम्मदुन मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ होते हैं जिस पे तनवीन नहीं आती और जेर की जगह जबर आता है ना, जिन पे ऐसा नहीं होता वो मुनसरिफ कहलाते हैं। तो मुहम्मदुन मुनसरिफ, खालिदुन मुनसरिफ, फातिमतु गैर मुनसरिफ, अब्बासुन मुनसरिफ, हमजतु गैर मुनसरिफ, मसाजिदु गैर मुनसरिफ, अगला क्या है, कुतु कुतुबुन गैर मुनसरिफ, अकलामुन मुनसरिफ, मना दीलु गैर मुनसरिफ, बुयूतुन मुनसरिफ, जुमला ओ गैर मुनसरिफ, लंदर नू गैर मुनसरिफ, सुफिया नू, क्यों सुफिया नू क्यों गैर मुनसरिफ, अलिफ नू ज़ायदतान और हलम, हामिदुन मुनसरिफ, अहमदु गैर मुनसरिफ, इब्रा हीमु गैर मुनसरिफ, मक्का तू गैर मुनसरिफ, ज़ैना गैर मुनसरिफ, अस्दिका
او غير منصرف، مدرسة تن منصرف، محمو دن منصرف، بغدا دو غير منصرف، جمي لن منصرف، كبي رن غير منصرف، أكبر منصرف، أكبر رو غير منصرف، مجتهي دن منصرف، طبي لن منصرف، كسلا نو غير منصرف، طلا بن منصرف، فقراء او غير منصرف، علي منصرف، باكستان نو غير منصرف، عما رن منصرف، سيارة تن منصرف، أحمى رو غير منصرف. وجه صفت اور وزن فعل اسماعي لو علم اور عجم، باری سو پیرس کو بولتے ہیں نا، باری سو تو علم اور عجم ایک کنٹری کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، ملک نہیں شہر، شہر ہے نا پیرس، شہر کا نام ہے اور علم ہے، مطلب عجم بھی ہے اور علم بھی ہے، تو باری سو. اگلا با بن منصرف، قلا من منصرف، مداری سو غیر منصرف. کیوں؟ الف کے بعد دو حرف ہے تو جمع کا صیغہ ہے. کسی کا سوال ہے کوئی؟ جدہ تو، کیوں؟ تانیس اور عجم، تانیس اور علم، عجم نہیں ہے، جدہ علم عجم نہیں ہے، ہاں یہ عربی عرب کا ہی نام ہے عرب، تو یہ عجم نہیں ہے، یہ تانیس اور علم ہے. جدہ میرے خیال میں جدہ جو ہے نا ویسے ایک جدہ ہی کہتے ہیں شاید یہ لوگ، نہیں نہیں جدہ کہتے ہیں، جد جد دادا کو جدہ. مفاتی ہو غیر منصرف، مدرسہ تن منصرف، ملآ نو کیا غیر منصرف، مکاتی بو غیر منصرف، قری بن منصرف، اسامہ تو غیر منصرف. اسامہ میں کیا سبب ہے؟ عالم اور تانیس، تانیس کیوں؟ تائے مربوطہ، تو اسامہ لفظاً مونس ہے، معنی کے اعتبار سے مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، واضح. اور یہ الکلمات الجدیدہ تو اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. فنجان کا السلام علیکم سر، کب کی دوا جی سر؟ یہ مساجدو غیر منصرف ہے؟ مساجدو، مساجدو بالکل غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. کتبن اور اقلامن یہ بتا دیں. صرف ہے کتب، آپ نے خود کتبن پڑھا ہے تو تنوین لگا غیر منصرف ہے. صرف ہے اقلام، اقلامن یہ بھی ٹھیک ہے، منصرف ہے کیونکہ کوئی سبب ہی نہیں ہے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے. المدرسہ تو مدرسہ، مدارس مدرسہ کی جمع، المسجد مسجد، مسجد کی جمع مساجد. اور الدقیقہ تو منٹ، دقائق کچھ منٹ سے لمحے لمحات کے لیں، کیونکہ ہمیشہ تو عرب کے منٹ نہیں رہے. قالا کہا، قالت اس عورت نے کہا، المندیلو کپڑا رومال اس کی جگہ منادیلو کپڑے، المفتاح اس کی جگہ مفاتیح چابی چابیاں، ابیض سفید، احمر لال، اخضر گرین، اسود کالا، ارزق بلو، اصفر پیلا یلو. مجھے اصل نیلا بھی نہیں پتا نا کیا ہوتا، اردو تھوڑی سی اس معاملے میں کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو واضح یہ چیز سر، مکہ کا کیا سبب ہے؟ مکہ کا علم ہے اور تانیث ہے، تائے مربوطہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ قالا اور قالت جو ہے یہ کس ریفرنس سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ خود نہیں پتا کیوں کہا ہوا انہوں نے قالا قالت، پتہ نہیں کیوں کہا ہوا ہے، یہاں تو ویسے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگلی کلاس میں انشاءاللہ جہاں ہم نے پیچھے چھوڑا تھا وہاں سے کنٹینیو کریں گے. دس ویڈیو از آپٹیمائزڈ بائی عالم آن لائن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتاب التوحید،
सीरत भी पढ़ लेंगे, किताबत तौहीद तो पढ़े पहले। क्या पढ़ रहे थे हम? शफाअत का बयान, शफाअत उज़्मा। ये शफाअत के बाद कौन सा टॉपिक है? अच्छा, उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपसे एक सवाल पूछना था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी डिटेल जो है ना वो चारे होते हैं और उसमें आता है सिर्फ गलत और सही, तो उसके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर उसको कैसे करें। एक तरफ देखते हैं तो वो सही भी लगता है और गलत भी लगता है। असाइनमेंट की बात हो रही है? जी सर। जैसे कोई क्या सवाल? जैसे पहला उसमें क्वेश्चन है कि जो मखलूक मदद करने पर कादिर हो तो उससे मदद लेना जो है वो जायज होगा। फिर तो इसमें गलत और सही की ऑप्शन है। तो ये गलत है सही है? सही है। इसमें गलत का क्या कंफ्यूजन है? जो गलत भी हो सकती है सर, गलत भी हो सकती है, इसलिए कि वो मखलूक जो है उसमें वो जिन भी आ रहे हैं और जिनों से मदद लेना तो सही नहीं है। मदद तो वो भी कर सकते हैं ना। वो तो फिर तफसील है ना। तो सर यही तो कंफ्यूज करता है ना, इसलिए फिर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। बस जो आसान सा जवाब है ना वो लिख दें। आसान जवाब है, जो कादिर है उससे मांगी जा सकती है। खलास, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। चलें जी, शफात की हमने अकसाम पढ़ी थी। एक थी किस्म शफात फिर दुनिया, शफात फिर आखरा, दुनिया में शफात और आखरत में शफात। दुनिया की हमने पढ़ ली जायज़ और नाजायज सूरत। आखरत में दो किस्में हैं। एक किस्म आखरत की पहले तो शरायत हैं, कौन कौन सी? राजी होना दोनों से जिसके लिए शफात की जाए और जिससे की जाए, जिससे मुराद जो करे, और अल्लाह की इजाज़त हो, इज़्ज़त हो। उसकी किस अकसाम दो हैं। एक जो खास है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक किस्म जो खास है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और दूसरी नहीं नहीं दूसरी है कि जो नबी अलैहिस्सलाम भी करेंगे और दूसरे भी करेंगे। तो वो जो शफात मनफी और शफात मुस्बता है वो जायज ना जायज है ना। वो तो शरायत जब पूरी नहीं हो तो वो मनफी होगी, शरायत पूरी होंगी तो मुस्बता होगी, सही। तो पहली किस्म हमने पढ़ ली थी नबी अलैहिस्सलाम का शफात करना, शफात उज़्मा, और ये किसके लिए होगी? हिसाब शुरू करने के लिए शफात करना। दूसरी, हाँ, जन्नतियों के लिए, अहले जन्नत के लिए शफात करना, जन्नत में दाखले के लिए। ये भी खास है नबी अलैहिस्सलाम के साथ, ये कोई और नहीं करेगा। जब जन्नती जन्नत के बाहर खड़े होंगे तो जन्नत के दरवाजे नहीं खुले होंगे, फिर तमाम जन्नती या अहले जन्नत अंबिया के पास जाएंगे और वो नबी अलैहिस्सलाम के पास ही फेर देंगे, फिर नबी अलैहिस्सलाम सजदा रेज होंगे और फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम से जन्नत का खजानची खाजिन पूछेगा कि आप कौन हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं मोहम्मद हूँ, तो फिर वो कहेगा बीका उमिर तू, आपके लिए मुझे हुक्म दिया गया था, ये दरवाज़ा आज से पहले आपके अलावा किसी के लिए मैंने नहीं खोला। तो मैंने तो नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने वैसे ही कहा अलग हदीस में कि पहला कदम जो जन्नत में रखेगा वो मैं होऊंगा, पहला कदम नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में रखेंगे। तो ये दूसरी शिफात है। माइक 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 शेख साहब, ये जो कहते हैं कि क्या कहते हैं आप सल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए हजरत बिलाल वहां मौजूद होंगे पहले। दोबारा बोले, हजरत बिलाल उनके इस्तकबाल के लिए पहले मौजूद होंगे वहां पे जन्नत में? नहीं, पहले तो नहीं होंगे, नबी अलैहिस्सलाम पहले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम पहले जाएंगे जी, वो तो हदीस है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत में बिलाल को अपने आगे, उनकी कदमों की आहट सुनी नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल की, तो पूछा है बिलाल आप ऐसा क्या करते हैं? तो बिलाल ने कहा कि मैं जब भी बेवजू को जाता हूँ तो मैं वजू कर लेता हूँ और फिर दो रकत भी पढ़ लेता हूँ।
तो वो तो एक ख्वाब था ना, हकीकत यही है कि पहला दाखला नबी अलैहिस्सलाम का ही होगा जन्नत में। तीसरी शफात जो खास है नबी अलैहिस्सलाम के साथ, वो है नबी अलैहिस्सलाम की शफात अपने चचा अबू तालिब के लिए। हाँ जी, अपने चचा अबू तालिब के लिए। अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं? हाँ, अच्छा, तो गैर मुस्लिम के लिए शफात हो सकती है आखिरत में? दुनिया में भी नहीं हो सकती, वो तो हिसाब शुरू करने के लिए होगी। हाँ, लेकिन जो शफात मनफिया है वो क्या है कि अल्लाह जिससे राजी ना हो उसके लिए शफात नहीं होती। और राजी होने का मतलब क्या है? शिर्क ना करता हो, तौहीद पे हो ना, वाहिद हो, सही। तो इनके लिए कैसे होगी? नबी के लिए खास है तो फिर शर्त नहीं हुई। जी हाँ हाँ, माइक में बोले, माइक में बोले जी। ये जो शफात होगी अपने चचा अबू तालिब के लिए, ये शफात के ये गुनाह अजाब को खत्म करने के लिए नहीं होगी, बल्कि अजाब के हल्का और खफीफ करने के लिए होगी। सर माइक में बोलने के लिए कह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी किसी की भी। जी मैं माइक में ही बुलवाता हूँ, और जो माइक में नहीं बोलता फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है, दोहराना पड़ता है, सवाल भी है। तो लेकिन क्यों क्यों करेंगे नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा के लिए? हमने पहले डिस्कस किया था सीरत में भी कि इन्होंने तकरीबन कोई 40 साल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की है, नबी अलैहिस्सलाम को कुफार के मुकाबले में अबू तालिब ने बचाया है, इसलिए हम भी उनका नाम एहतराम से ही लेंगे, दुआ नहीं देंगे उनके लिए, रजी अल्लाह वान नहीं कह सकते, उनके लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है उनकी एक नुसरत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अजाब में कमी करेंगे, और वो ज़ाहिर है सबसे हल्का अजाब होगा उनको, वो सबसे हल्का अजाब भी क्या होगा? हाँ, उनके पाँव में आग लगाई जाएगी, इससे युगली बिहा दिमाग हो, उनका दिमाग उबल जाएगा, ये सबसे हल्का अजाब होगा जो जहन्नम का अजाब होगा, इससे भारी क्या होगा? अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह अकबर। और ये नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो ये अबू तालिब जो है, ये क्या नाम है तुम्हारा? ये आवाज़ थोड़ी कम है, थोड़ी बढ़ा दें, और सीटी भी आ रही है उसको भी एडजस्ट करें। अगर मैं नहीं होता तो अबू तालिब जहन्नम के निचले घड़ों में होते, लेकिन मेरी वजह से ये जहजा ऊपर के जगह पे आ गए, ऊपर वाले हिस्से में आ गए। और ज़ाहिर है जहन्नम में जितना नीचे जाते रहेंगे उतना अजाब बढ़ता रहेगा, तभी मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। इन्नल मुनाफिकीन दरखिल असफल, सबसे नीचे में होंगे। इन विच बुक इज दिस हदीस अबाउट अबू तालिब? जी किस हदीस में है ये, किस हदीस किताब में है? मुत्तफक अलैह है, बुखारी मुस्लिम में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ फी ज़हज़ा मिन अन्नारी, वो जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में होंगे। लौला अना, भाईजान की औरत क्यों, लौला अना, अगर मैं नहीं होता, लकाना फिर दर के लस्फल मिन अन्नार, अगर मैं नहीं होता तो ये जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होते। इस बात से तो और गई, भाईजान आ रही है आवाज, आ रही है हेलो 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 भाई, सिर्फ क्लास का वॉल्यूम बढ़ाना था, अभी आना शुरू हो गई, हाँ पहले जैसी हो गई, अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें बस क्लास का। हदीस सुन ली थी सबने, नबी सब ने फरमाया हुआ फी ज़हज़ा मिन अन्नार, वो जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में है। लौला अना, अगर मैं नहीं होता, लकाना फिर दर के असफल मिन अन्नार, ये जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होते। इससे ये पता चलता है कि कलमा लव इस्तेमाल करना जायज है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं होता, सॉरी लव ला अना, अगर मैं नहीं होता। जी कैसे?
शेख है नबी करीम का खासा था, मतलब कयास नहीं कर सकते ना अंबिया की बातों को हम इंसानों के ऊपर। खासे की दलील होती है, बगैर दलील के खासा साबित नहीं हो सकता, वरना नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए क्या है, उस्वाए हसना है। हर चीज में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा होगी, इल्ला मा सिवाय जो नबी अलैहिस्सलाम का खासा हो। यानी ये वो माना है, ये असल में लव कलिमा नहीं है, ये है नबी अलैहिस्सलाम का अपने आप को किसी चीज के लिए सबब बनाना। सही, तो उलमा ने ये लिखा है, शेख सालेह हुसैन ने ये लिखा है कि जिस चीज का सबब यकीनी हो कि इसके बगैर ये नहीं हो सकता, वहां पे ये कहा जा सकता है कि जी अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, या अगर ये काम नहीं होता तो ये बिल्कुल नहीं होता। यानी जिसका सबब यकीनी हो, उसके बगैर वो हो ही नहीं सकता हो, समझ रहे, उधर कलिमा लव इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। और एक और बताई थी कि मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, माजी के लिए नहीं किया जा सकता। नहीं, वो लव और इन का फर्क है, लव और इन का फर्क ये है, लव आता है नामुमकिनात के लिए और इन आता है मुमकिनात के लिए। क्या माजी के लिए आप अगर नहीं कह सकते? हाँ, अगर मैं वो सवाल पढ़ लेता तो मैं पेपर अच्छा कर लेता। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं करना चाहिए ना, इस वक्त लव नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मुस्तकबिल के लिए हो सकता है, अगर मैं पढ़ लूं तो मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। अगर माजी यकीनी हो तब लव बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पे अब आपके सवाल को ले लें, एग्जांपल को, अगर मैं ये सवाल देख लेता तो मेरा पेपर अच्छा होता। सही है, ये यकीनी नहीं है, नहीं देखते तब भी अच्छा हो सकता था, समझ रहे। लेकिन एक है कुल्ली बात, अगर मैं पढ़ लेता, बगैर पढ़े तो पेपर ही नहीं होता ना, अगर मैं क्लासेस अटेंड करता, पढ़ता तो मैं पास भी हो जाता, क्योंकि ये यकीनी है। लेकिन एक आध चीज जो गैर यकीनी हो वो नहीं होती, क्योंकि अब तकदीर में यही लिखा था और अल्लाह के हुक्म से ये होना था, आपका सबब ये नहीं बनता, कोई और बन जाता। लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम नहीं होते तो अबू तालिब कहाँ होते? इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें आपको डाउट नहीं है कि ऐसा ना होता। सही, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। जी, समझ आ गई बात। और इस बात से पता चलता है कि अबू तालिब जो है शिर्क पे उनका इंतकाल हुआ था। बाज लोग कहते हैं अबू तालिब काफिर नहीं मरे थे, शिर्क पे नहीं मरे थे, बल्कि मुसलमान हो गए थे, तो ये बात सही नहीं है। चले, चौथी सिफत, चौथी शफात जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ खास है वो क्या है? नबी अलैहिस्सलाम का शफात करना किन के लिए? मदीना वालों के लिए, अहले मदीना के लिए। ये मदीना वाले नहीं जो हमारे यहाँ गुलशन इकबाल में बैठे हैं सफारी पार्क के पास। हाँ हाँ, खुद साख्ता मदीना वाले, जो वाकई अहले मदीना हो, मदीना में रहने वाले हो, अहले मदीना हो और वाहिद भी हो। शर्त वही रहेगी, शरायत वो रहेंगी वहां पर, तौहीद होना चाहिए, तौहीद पे होना चाहिए और इजाजत भी होगी। जो मदीना में रहे, तौहीद पे रहे और उसकी मुश्किलात पे सबर करे, गुस्सा ना करे और वहीं इंतकाल कर जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए शफात करेंगे। हजरत उमर ने दुआ की थी, ए अल्लाह मैं तुझसे, उन्होंने कहा ना मदीना में अगर इंतकाल हो तो मेरा भी शफात, नबी अलैहिस्सलाम की शफात मिलेगी। उन्होंने दुआ की थी कि मुझे मौत आए मदीना में आए और शहादत की मौत आए। तो क्या हुआ था? उनकी बेटी ने कहा कि अगर आपने शहीद होना है तो जाएं इराक, जाएं शाम, जाएं मैदान क़िताल में, जाएं वहां जाके जिहाद करें, अगर शहीद होना है मदीना में, कौन सा आपको जो है वो शहादत मिलेगी। तो तारीख ने देख लिया कि मदीना तो क्या मस्जिद नबी में मिंबरे रसूल पर नमाज के दौरान उनको अल्लाह ने शहादत नसीब की। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ला यस्बिरु अहदुन अला लवाइहा फयमूतु इल्ला कुंतु लहु शफीअन औ शहीदन यौमल क़ियामती इज़ा काना मुस्लिमन। जी, कि कोई शख्स नहीं सबर करता मदीना की सख्तियों पर यहाँ तक के वो मर जाता है, सिवाय इसके कि कयामत के दिन मैं उसका सिफारशी होऊंगा या फिर उसका गवाह होऊंगा, इज़ा काना मुसलमान, जब वो मुसलमान होगा। मुसलमान शर्त है भाई, ये नहीं अब जो मन में आ रहा है करते जा रहे हैं और वो सिफात मिल जाएगी। सही, मुस्लिम की रिवायत है, इमाम मुस्लिम लाए हैं इसको, और हमें पता होना चाहिए
कि इस कायनात में सही तरीन हदीस की किताबें कौन सी हैं? सही बुखारी, सही मुस्लिम। सही हदीस के दर्जात हैं, जब आप उसूल हदीस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सही हदीस के दर्जात हैं। सबसे सही हदीस कौन सी है? नहीं, जो सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में मुत्तफ़क़ुन अलैह है वो सबसे सही हदीस है। उसके बाद जो बुखारी में, उसके बाद जो मुस्लिम में, उसके बाद जी, इसलिए पढ़ना चाहिए जो बुखारी की शराइत को पूरा करती हो। जी, जो बुखारी मुस्लिम की शर्त पे हो, शर्त से मुराद उन्हीं के रावी हो, उन्हीं की तरतीब पे हो। फिर जो बुखारी की शर्त पे हो, फिर जो मुस्लिम की शर्त पे हो, फिर जो बाकी सुनन अरबा में हो। सही नहीं, उसमें ज़्यादा ज़ईफ़ हदीस है जी, उसमें ज़ईफ़ रिवायतें भी है ना, ज़ईफ़ भी हैं जी। हाँ, माइक में सवाल किया करें भाई, वरना टाइम भी जाएगा और मेरी भी मेहनत लगेगी। माइक दे इनको भाई जी। इस सिफारिश जो है हर शख्स के लिए होगी, या जैसे वह हदीस है कि 70,000 लोग जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि हमें भी सिफारिश आप नसीब हो। अल्लाह में नबी अलैहिस्सलाम की शफात नसीब कर। मतलब हर शख्स के लिए सिफारिश होगी? हर शख्स के लिए नहीं होगी, जो इन अहादीस पे, इन शरायत पे दाखिल होगा उसको नसीब होगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सिफारिश के बगैर कोई जन्नत में जा सकता है? तू नहीं जा सकता? जा सकता है। जन्नत में जाने की शर्त तो नहीं है कि शफात होगी, सिफारिश होगी तो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बगैर सिफारिश के भी जा सकता है। चलें जी, पहली किस्म हो गई जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ खास है। इसकी चार किस्में हैं। नंबर वन, शफात उज़्मा। नंबर टू, अहले जन्नत के दाखिले के लिए शफात करना। नंबर थ्री, अपने चचा अबू तालिब के अजाब में कमी के लिए सिफारिश करना। नंबर चार, अहले मदीना के लिए सिफारिश करना। जैद, अब दूसरी किस्म आ जाइए। दूसरी किस्म है जो शफात नबी अलैहिस्सलाम भी करेंगे और दूसरे भी करेंगे। नंबर वन, उन लोगों के लिए शफात, मुसलमानों के लिए, जो जहन्नम में जाने के मुस्तहिक हैं। तो उनके लिए नबी सिफारिश करेंगे, अंबिया, मोमिनीन, मलाइका। तो उनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। ये कौन लोग होंगे? जो गंभीर गुनाह करेंगे और उनकी वजह से जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे जी। कबीरा गुनाह, मतलब कबीरा नहीं, गुनाह करेंगे, गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, जहन्नम में चले जाएंगे, फिर शफात का मरला होगा, उनको वहां से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा जी। अजान होने में लोगों के लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा, वो जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, तो फिर
नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, शफात करेंगे, नंबिया शफात करेंगे, और इनकी शफात की वजह से कई लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। मलाइका भी करेंगे, नेक लोग करेंगे, एक कसीर तादाद में उठा के लोगों को जन्नत में डाला जाएगा। ये शफात नबी अलैहिस्सलाम भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे, लेकिन इसमें पहल नबी अलैहिस्सलाम करेंगे, इब्तिदा नबी अलैहिस्सलाम से होगी। यही वो किस्सा है कि इमाम ने कय्यम रहिमहुल्लाह, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, इब्ने कय्यम थे, इब्नुल जौज़ी थे, उन्होंने कहा, ए मेरे शागिर्दों या मेरे साथियों, मुझ पे एक एहसान करोगे? तो मैं, जी बिल्कुल। कहा कि जब तुम जन्नत में जाओ और जन्नत में जाकर मुझे वहाँ ना पाओ, तो अल्लाह से कहना, अल्लाह तेरा एक नेक बंदा था जो हमें तेरी याद दिलाया करता था, अल्लाह वो नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह वो कहाँ है, उसको बुला ले, तो ये एहसान करोगे मुझ पे? यही वो मरहला है कि इंसान जो है वो जब जाएगा तो उसके करीबी कराबतदार होंगे, वो उसके लिए शफात करेंगे और उसको जहन्नम से निकाल के वहां लाएंगे। दूसरी किस्म ये कह के इमाम ने कय्यम इब्नुल जौज़ी बहुत रोए, फूट फूट के रोए, ये हमारे असलाफ का हाल था। अल्लाह ताला हम सबको भी जहन्नम से बचा ले। दूसरी किस्म अश्शफा उन लोगों के लिए जो मुआहिदीन हैं, जो जहन्नम में दाखिले के मुस्तहिक हैं, उनके लिए शफात होगी, अल्लाह यदखुलुहा, कि वो उसमें दाखिल ही ना हो। पहला तो ये है ना कि अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएंगे, शफात का मरहला होगा और वो उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। दूसरा ये है कि उनके लिए जहन्नम लिख दी जाएगी, लेकिन जहन्नम में जाने से पहले उनके लिए शफात होगी कि वो उसमें दाखिल ही ना हो। ये फ़र्क है पिछली वाली में और दूसरी वाली में। भाई ये वही लोग होंगे कि जो जिनके गुनाह नेकियों से ज़्यादा हो जाएंगे, ज़ाहिर है उनके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा, तो फिर इनके लिए भी शफात का मामला होगा। हदीस है, अहमद की हदीस है, इमाम अहमद लाए हैं, इमाम अलबानी ने इसको सही कहा है कि जन्नत में एक शख्स दाखिल होगा एक शख्स की शफात से जो कि नबी नहीं होगा, एक बंदे की शफात से लोग जन्नत में जाएंगे कि जो नबी नहीं होगा। कितने लोग जन्नत जाएंगे? ये जो दो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, रबीआ व मुजर, बहुत बड़े बड़े कबीले थे, या बड़े, हाँ बड़ा कबीले थे, इतने लोगों को एक बंदा जन्नत में ले जाएगा, एक बंदा इनको जन्नत में ले जाएगा। इसी तरह एक हदीस है कि बनी तमीम से ज्यादा लोगों को मेरी उम्मत में से एक शख्स जन्नत में ले जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सिवा का ये बंदा आपके अलावा होगा, यानी आपके अलावा ये बंदा जन्नत में लेके जाएगा? कहा, नाम सिवा ही, मेरे अलावा लेके जाएगा। रवाहु तिर्मिज़ी इब्न माजा व सहहहु अल्बानी रहिमहुल्लाह। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कोई शख्स इंतकाल नहीं करता सिवाय उसके उसके जनाजे पे 40 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन 40 लोगों की सिफत क्या है? ला युशरिकूना बिल्लाहि शैया, वो अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं बनाते होंगे। तो क्या होगा, 40 लोग अगर उसके जनाजे में मुआहिद खड़े हो गए
इल्ला शफ़अहुमुल्लाह फीही, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उनमें उनके बारे में उनकी शफ़ात को कबूल कर लेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो हमें देखना चाहिए कि हम अपने जनाजे के लोग तैयार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और हमारे जनाजे में कौन लोग खड़े होंगे, किन लोगों को अपना मुसल्ली जो हम पे हमसे पीछे खड़े होंगे किन को तैयार कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये एक ही तरीके से तैयार हो सकते हैं आज के ज़माने में, किस तरह, तौहीद पढ़ा के, शिर्क से रोक के। वरना हर ख़ानदान में ये 40 मुवाहिद ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है जो खालिस तौहीद पे हों, शिर्क से कोसों दूर हों। 40 लोग सिर्फ जमा हो गए, अल्लाह ताला उसके बारे में शिफात कर देगा। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए इंसान को शरई इल्म पढ़ना चाहिए और शरई इल्म को आगे पढ़ाना चाहिए, और कम अज़ कम अपने जनाजे के लिए लोग तैयार करने चाहिए। दूसरी किस्म हो गई। पहली किस्म क्या थी कि जहन्नम में जाना वाजिब हो जाए, जहन्नम में चले जाएं तो शफात होगी, जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। दूसरा, जहन्नम लिखी हुई है लेकिन शफात होगी और उनको जहन्नम में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जन्नत में डाल दिया जाएगा। तीसरी भी शफात होगी। ये अल्लाह की रहमत है कि इंसान गुनाह करे, वो गुनाह कई देर तक लिखा नहीं जाता कि वो गुनाह है, फिर भी अगर कर ले, तौबा कर ले, तो वो गुनाह ऐसे मिट जाता है कि इंसान पूरा साफ सुथरा हो जाता है। ये अल्लाह की रहमत है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी कमन ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसका कोई गुनाह ही नहीं है। फिर भी अगर करता रहे, गुनाह से भर जाए जिंदगी के आखिर में या दरमियान में, अल्लाह ऐसी इबादतें करवा देता है कि जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। जैसे हज है, इंसान हज कर ले तो क्या होता है, फरमाया कि जो शख्स हज कर ले और हज मबरूर कर ले, ऐसे हो जाएगा कयौमिन वलदत उम्मुहु, कि उसकी माँ ने उसको जिस दिन जना था, जिस दिन उसके ऊपर कोई खता कोई गुनाह नहीं था, हज करके वो भी ऐसा ही हो जाएगा, ये इंसान को मिलेगा उस दिन। जी जी, यही हज, हज एक ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो वो अकसाम है, हज हज होता है, तमद्दु हो, किरान हो, इफराद हो, वो तो अकसाम है। हज हज होता है, हजुल मबरूर वल हजुल मबरूर लैस लहु जज़ाउल इल्लल जन्ना, ये हज मबरूर कि जिसमें कोई खता ना हो, कोई गुनाह ना हो, को उसके सारे अरकान पूरे हों, वो है हज मबरूर। जी, जी हाजी के लिए वो यानी अल्लाह का हक तो माफ हो जाएगा, लेकिन दूसरों का हक तब तक माफ नहीं होगा जब तक उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी। नहीं, रोजे क़यामत अल्लाह चाहे जब तक वो माफ नहीं करेगा वो दर नहीं जाएंगे, मामला क्लियर नहीं होगा, बड़ा खतरनाक मामला है। तो दूसरी बता दी मैंने, हाँ मैं कहता अल्लाह की रहमत है, फिर भी क़यामत के दिन अगर अल्लाह चाहे दुनिया से तौबा नहीं की, गुनाह ज्यादा लेके चले गए, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, अपनी रहमत से फजल से ही माफ कर देगा, चाहेगा तो अजाब देगा, चाहेगा तो ऐसे ही माफ करके जन्नत में डाल देगा। लेकिन फिर भी जहन्नम में चले गए तो शफाते हो जाएंगी, जहन्नम से निकल के जन्नत में चले जाएंगे। तीसरी किस्म, तीसरी, पहली जहन्नम में दाखिल हो गए उधर से निकालना, दूसरी जहन्नम में गए नहीं अभी मुस्तहक थे जन्नत जहन्नम के तो शफात होगी कि उसमें दाखिल ना हो, और तीसरी, हाँ नहीं वो तो मैं वैसे अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो शफात नहीं है। तीसरी है जन्नत में दरजात की बुलंदी के लिए शफात होना, और ये किससे होती है, दुआओं से होती है। इसलिए कहा कि अपने भाई के लिए रफ़ दरजात की दुआ करो, और ये शफात मुसलमान के लिए भी होगी, नबी के लिए भी होगी और गैर नबी के लिए भी होगी। इंसान जन्नत में जाएगा, जन्नत में मामला अपना देखेगा, थोड़ी देर बाद देखेगा कि उसके एकदम दर्जा बुलंद हो गया, वालिद का दर्जा बुलंद हो गया, तो क्यों हुआ, उसको बताया जाएगा भाई तुम्हारी औलाद थी, वो नेकियां कर रही थी, यहाँ दर्जे तुम्हारे बुलंद हो रहे थे,
वो दुआ करती थी, उसकी दुआ की वजह से तुम्हारे दर्जे बुलंद हो गए, और फिर कयामत के दिन जन्नत में अल्लाह ताला औलाद को अपने आबाओं के साथ, अजदाद के साथ मिला देगा। और ना सिर्फ ये, अगर औलाद का दर्जा ज्यादा होगा तो बाप को औलाद के दर्जे पे ले जाया जाएगा। पता आपको, अगर इंसान इस दुनिया से चला गया, जन्नत में गया, अब जन्नत में एक दर्जा था उसका, लेकिन औलाद ने ज्यादा नेकी की, उसका दर्जा ज्यादा पाया, तो बाप को भी उसके मकाम तक ले जाया जाएगा, बाप का दर्जा औलाद की वजह से बुलंद हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता। दिस वीडियो इज ऑप्टिमाइज्ड बाय आलम ऑनलाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي यही पढ़ेंगे यही। जी किताब खोलें, किताब पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے نیز ارشاد ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى جی اس آیت میں شفاعت کی دونوں شرائط آگئیں اللہ کا اذن اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا یہاں تک کہ ملائکہ بھی خود سے نہیں کر سکتے کم من ملکن نہیں ملک ملک کا کیا معنی ہے ہاں فرشتہ ہی ہے بالکل کون کتنے فرشتے آسمان میں ہیں لا تغنی شفاعتہم شیئا نہیں تمہیں کفایت کرے گی ان کی شفاعت الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضا سوائے اس کے جو اللہ اس کو اجازت دے دے لمن یشاء جس کے لیے چاہے ویرضا اور وہ راضی ہو السلام علیکم خیریت سے جلدی نہیں آ گئے ہیں جی آگے بڑھیں قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا تم جن کو معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو وہ تو آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں زمین و آسمان کی ملکیت یا تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے حق میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے یہی آیت پڑھی نا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ تو اس آیت میں کیا ہے کہ پہلے کہا کہ اللہ کے سوا جو کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے نہ زمین میں نہ آسمان میں پھر کیا ہے آگے آیت میں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک ہاں دیکھیں کوئی بھی
अल्लाह के अलावा होगा उसकी इन तीन चार सिफात में या तीन चार मामलों में से एक मामला जरूर होगा, या तो वो किसी चीज का मालिक होगा, अल्लाह ने उसका इनकार कर दिया कि जो भी है जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ला यमलिकूना मिथकाल दर्रा, एक जर्रे के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है। मालिक से मुराद हकीकी मालिक, मैं और आप तो मालिक होते हैं चीजों के, लेकिन हकीकी मालिक अल्लाह ही है। हम अपनी चीज के मालिक हो सकते हैं, आप अपने कपड़ों के मालिक हैं, आप अपनी गाड़ी मोबाइल के मालिक हैं, लेकिन हर चीज में आपका इख्तियार नहीं है, जब चाहे आपसे छीन सकती है, आप जो चाहे नहीं कर सकते। आप कहें यार मेरा दिल नहीं चाह रहा ये कपड़ा देखने का, मैं जला दूं, आग लगा दूं, ये जायज नहीं है, ये हराम है। ला यमलिकूना मिसकाल जर्रा, ना किसी जर्रे की मिल्कियत रखते। और अब मिल्कियत नहीं रही तो क्या बचा, चलो शराकत दारी होगी तो वो भी नहीं है। मा लहुम फीहिमा मिन शिर्किन, हाँ शिर्किन, कोई शराकत दारी भी नहीं है। अच्छा ये भी नहीं बची, अब क्या हुआ, वमा लहू मिनहु मिन ज़हीर, हाँ ना उनका कोई मददगार होगा क़यामत के दिन, ना उनकी कोई मदद करने वाला होगा। वला तनफ़ाउ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लहु, अब कोई अगर मददगार नहीं होगा, ना मिल्कियत है, ना शराकतदारी है, ना मददगार है, आखिर में एक ही चीज बच सकती है, ये जिनको पुकारते हैं ना तो वो मालिक है, ना मददगार है, ना शराकतदार है, कुछ ना भी हो आखिर में बचता है कि भाई ये शफात तो कर सकते हैं ना हमारी। अल्लाह ने क्या कहा, वला तनफाउ शफात, वला तनफाउ, और अल्लाह के हुजूर किसी के लिए कोई सिफारिश मुफीद नहीं है। अरबी के अल्फाज क्या हैं कुरान के, ला तनफाउ शफात इंदहु, हां वला तनफाउ शफात इंदहु इल्ला लिमन अज़िना, इल्ला लिमन अज़िना, उनकी शफात भी काम नहीं आएगी सिवाय उसकी जिसको अल्लाह इजाजत दे। यानी जिसको तुम समझ रहे हो कि हमारे शफा है, हमारे सिफारशी है, ये सिफारशी भी नहीं है, जिनको तुम ऐसे ही पुकार रहे हो ये किसी काम नहीं आने वाले तुम्हारे। चले शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास इब्ने तैमिया, हाँ अबुल अब्बास, ये कुनियत है शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह की। मैंने पहले ही बताया था इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह कौन है, क्या कहते हैं जी, फरमाते हैं इनका नाम था अब्दुल हलीम, अबुल अब्बास कुनियत थी, नाम था अब्दुल हलीम इब्ने तैमिया हलीम जी। इब्ने तैमिया तो लकब है जी, तैमिया के जी, तैमिया ये इनकी गालिबन, हाँ नहीं नानी थी जो मुझे सही याद पड़ रहा है, उनके नाम पे इनकी कुनियत है जी। क्या बोला है, मतलब जल्दी किया जी, अच्छा जी बोला है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा कुछ गलती हो गई वो रॉकेट लॉन्च होता है ना तो उससे पहले आवाज आती है कोई किताब इनकी हयात पर जी, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी इमाम ने तैमिया की जिंदगी पर, तो वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इंशाल्लाह यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है जी। हाँ भाई किस बात पे आपने जी बोला है बशीर साहब, आने वाला है जी बशीर साहब जी, सर फरमाइए जी, आपने हमारी किस बात पे तस्दीक की है, असल में हमारी आवाज ना बहुत तेजी से आई थी तो हम सब डर गए यहाँ पे। सर मैं बशीर भी हूँ बट शायद और कोई हो जिसने कहा, मैंने नहीं कहा। क्या कह रहे, अच्छा चले ठीक है, चले मेरा लागे चले। शेख उल इस्लाम अबुल अब्बास इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपने अलावा तमाम मखलूक से इन बातों की नफ़ी कर दी जिनसे मुशरिकीन इस्तदलाल किया करते थे। मसलन उसने इस बात की नफ़ी की है कि किसी को ज़मीन व आसमान में किसी किस्म की कुदरत या किसी किस्म के कली या जज्वी इख्तियारात हों या कोई अल्लाह ताला का मददगार हो, अलबत्ता सिफारिश हो सकती है, मगर वो भी सिर्फ इसी के लिए मुफीद होगी जिसके हक में सिफारिश की इजाजत खुद अल्लाह ताला देगा, जैसा कि उसने फरमाया वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तदा, और वो किसी के हक में सिफारिश नहीं कर सकेंगे सिवाय इसके जिससे अल्लाह राजी हो। जी यही बात मैंने भी आपको समझाई थी, चले वो सिफारिश जिसके मुशरिकीन कायल हैं कयामत के दिन मादूम होगी, जैसा कि कुरान मजीद ने इसकी नफी और इनकार किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बताया है
कि आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होकर फौरन सिफारिश के बजाय अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होंगे और इसकी हम्द व सना करेंगे। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि अपना सर उठा लीजिए और बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। सवाल कीजिए, आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। इरफा रासक, सर उठाइए। कुल युस्मा, कहिए आपकी बात को सुना जाएगा। सल तुअता, सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा। वश्फा तुशफा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। सही है, इनमें रिवायत है ये। चले, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है जो आपकी सिफारिश का हकदार होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुलूस दिल से कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, यानी ये सिफारिश अल्लाह ताला की इजाजत से सिर्फ खुलूस दिल से कलमा पढ़ने वालों को नसीब होगी और मुशरिकीन के हक में सिफारिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी, यानी सिफारिश उसी के लिए होगी जो इखलास के साथ तौहीद पे अमल करता होगा, तमाम ईमानियात पे यकीन रखता होगा, यकीन शक नहीं, यकीन के साथ अल्लाह पे, अल्लाह के मलाइका पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, तकदीर पे ईमान लाएगा, तब शफात का हकदार हो सकता है। मन असअदुन नास, सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, दिल के इखलास के साथ उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का, वो असअदुन नास होगा। ये नहीं दरगाहों पे जाके सजदे करना, रुकू करना, चादर चढ़ाना, ताले बांधना, देगे खिलाना, बांटना, ये शिरकिया काम करने वालों को शफात नहीं मिलेगी। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला सिर्फ मुखलिस अहले तौहीद पर अपना खुसूसी फजल फरमाएगा और जिनको सिफारिश की इजाज़त देगा उनकी सिफारिश के नतीजे में अहले तौहीद ही मगफिरत फरमाएगा और सिफारिश करने वाले यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम फरमाएगा और आप मकाम महमूद से सरफराज होंगे। जी, नबी अलैहिस्सलाम को मकाम महमूद अता किया जाएगा, फिर वहां जाके नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला सिफारिशियों का या शफात का मोहताज है, इसलिए ताकि नबी अलैहिस्सलाम को वो बुलंद मकाम अता करे, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत अफजाई हो, नबी अलैहिस्सलाम को मकाम महमूद दिया जाए, इसलिए ये मामला होगा। जिस शफात का कुरान ने ये थी शफात मुस्बता, अब आ गई शफात मनफिया। वशफातु अल्लती नफाह अल-कुरआनु, वो शफात जिसको कुरान ने मना किया है, नफी की है, वो क्या है? उससे मुराद वो शफात है जिसमें अल्लाह के साथ शिर्क हो। जी, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर अपनी इजाजत से शफात का अस्बात किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया है कि शफात सिर्फ अहले तौहीद और अहले इखलास ही के लिए होंगी। जयत, यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। कोई सवाल है तो कर लें। सवाल ये कि अहले मदीना के लिए शफात आपने बताया था, तो अहले मदीना से मुराद अगर यहाँ कोई रहता है तो वहां पे जाके उसका इंतकाल हो गया? नहीं, वहां जाके रिहाइश इख्तियार करें, वहां की परेशानियों पे सबर करें। रिहाइश जरूरी है, ऐसे यहाँ पे उमरा करने गए हैं तो वहां पे उसके मदीना में इंतकाल हो गया तो उसके लिए शफात होगी? अल्लाह आलम, मुझे किसी ने बताया था कि मेरे इल्म में नहीं है कि मदीना में मौत की दुआ करनी चाहिए, कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा है, अल्लाह आलम। अच्छा। लेकिन वहाँ रहना है, हदीस है कि जो वहाँ रहता है और सबर करता है उसकी मुश्किलात पर, वो एक सहाबी गालिबन अबू दर्दा, जब वहाँ मदीना में महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा तो वो मदीना छोड़ के जाने लगे, तो उस ज़माने से भी हो रही है महंगाई, ये भी का नहीं है मामला, तो वो मदीना छोड़ के जाने लगे, तो उन्होंने दूसरे ने कहा कि आप, चूँकि मदीना शहर था, शहर में चीज़ें महंगी होती हैं, गुजर बसर महंगा होता है, तो गांव के इलाके में जाएं, वहाँ गुजर बसर आसान है, हल सस्ता है, तो उन्होंने फिर इनके ऊपर ये हदीस सुनाई गई, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है अब मैं यहीं रहूँगा। कौन थे वो, एक मिनट देख लेते मुझे। जी, हजरत उमर मदीने में मौत की दुआ मांगते थे, क्योंकि वो मदीना में ही रह रहे थे ना, इसलिए फिर दुआ, जो हदीस है उसमें ये है कि जो मदीना में रहा और वहाँ मर गया, वहाँ मौत आ गई उसे, तो इसलिए क्योंकि मदीना में रहते थे और मदीना में उन्होंने मौत की दुआ की। कहाँ सुना था मैंने? जी,
कुर्ब करामत है क्या? जी, तो मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं होगा, मदीना की फजीलत में से है। ठीक है, और भी फजाइल हैं, वो भी हिजरत मदीना जब पढ़ेंगे हम सीरत में तब कुछ ना कुछ बता दूंगा, बल्कि बता दिया था मैंने। जी क्या? अल्लाह आलम, मुझे ज्यादा तफसील नहीं पता, बस वो दाखिल नहीं होगा, मदीना की एंट्रेंस तक आएगा फिर वापस हो जाएगा, ये पता है, मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं याद। बहरहाल वो मुझे वो हदीस नहीं मिल रही कि किस सहाबी को रोका था और मैंने कहाँ सुनी है, गालिबन सीरत में सुनी है या पता नहीं कहाँ सुनी है, अल्लाह आलम। चले अगला चैप्टर है, वो क्या है? बाब कौल अल्लाह तआला इन्नक ला तहदी मन अहबबता। इस बाब, इस अल्लाह की आयत के बारे में, वो आयत क्या है? इन्नक ला तहदी मन अहबबता, बेशक आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करते हो। ठीक, ये जो तर्ज है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का, ये बेआईनी ही इमाम बुखारी वाला तर्ज है। इमाम बुखारी भी ऐसी चैप्टर बांधते हैं, यरहमुकल्ला, किताब तफसीर जो इमाम बुखारी ने बांध लिखी है या उसमें हदीस लाए हैं, वो यही तर्ज है कि बाब इस आयत की तफसीर के बारे में, बाब इस आयत की तफसीर के बारे में। तो इन्होंने भी चैप्टर का नाम ही आयत डाल दिया। क्यों डाला कि भाई, क्यों डाला, आयत क्यों लाए? आप कह देते बाब कौल अल्लाह ता, बाबुल हिदाया। इस आयत की तफसीर बन जाते, बन सकती है बिल्कुल। ये भी एक वजह है कि ये बाब है इस आयत की तफसीर में, सही। नंबर टू, फइन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात किसकी बात है? अल्लाह की बात है। तो इससे बेहतर है कि अपनी बात जिक्र करते, अल्लाह की आयत जो कि एक मुख्तसर आयत थी, जो कि पूरा एक मैसेज था, वो वहां पे जिक्र कर दिया, और पे जाहिर है उसकी तफसीर है। चले, इन्नका ला तहदी मन अहबत, आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें। इसको शफात के बाद में क्यों लाएं? किताब तौहीद से इसका क्या ताल्लुक है? जी हाँ, यानी हिदायत का जो इख्तियार है वो अल्लाह को ही है। तो फिर कुरान में एक आयत आती है, इन्नका लतहदी इला सिराते मुस्तकीम, बेशक आप ही हैं जो सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत करेंगे या करते हैं। तो फिर क्या माना है? हाँ जी, आप बुलाते हैं लेकिन हिदायत पे आना वो इंसान के ऊपर है। इसलिए कहते हैं हिदायत की दो किस्में, नंबर वन, एक है हिदायत इरशाद, हिदायत इरशाद, इराउत तरीक यानी रास्ता दिखाना, रहनुमाई करना, हिदायत का एक माना है रास्ता दिखाना, बता देना कि ये सही है ये गलत है। और दूसरा है हिदायत तौफीक, हिदायत तौफीक, ये अल्लाह के हाथ में ही है। तो पहली जो आयत है इन्नका लतहदी इला सिराते मुस्तकीम, ये किसके बारे में है? हिदायत इरशाद है। और दूसरा जो है इन्नका लातहदी मन अहबब, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहते हैं, ये कौन सी हिदायत है? हिदायत तौफीक है, यानी जिसको अल्लाह चाहेगा। वला किन अल्लाह यहदी मन यशा, इस आयत का अगला हिस्सा है कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत देता है, यानी हिदायत का इख्तियार अल्लाह को है, इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। चले, सही बुखारी में सईद बिन मुसीब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मुसीब रहमतुल्लाह अलैह से शफात, शफात के बाब से इसका क्या ताल्लुक है? जैसे मुशरिक को शफात फायदा नहीं देगी, इसी तरह इस्तिग़फार की दुआ करना भी मुशरिक को फायदा नहीं देगी। हिदायत आके आप दुआएं करते कर सकते हैं, लेकिन उसके गुनाहों की मगफरत भी नहीं हो सकती जब तक वो मुसलमान ना हो जाए, इसलिए शफात के बाद लाए इसे। चलो, सही बुखारी में सईद बिन मुसीब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद मुसीब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए
वहां अब्दुल्ला बिन अबी उमिया और अबू जहल भी बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा जान, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो ताकि मैं इसी को अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे हक में बतौर दलील पेश कर सकूं। अब्दुल्ला बिन उबे अभी उमिया और अबू जहल बोले, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो दोनों सरदार अपनी अपनी बात को दोहराते रहे। बिलाखिर अबू तालिब ने कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर कायम हूँ और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने से इनकार कर दिया। रावी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुझे मना ना किया गया मैं जरूर तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। जी हदीस है, सही में है, यानी सही बुखारी में है। क्या हदीस है? बुखारी मुस्लिम दोनों में है, सही हैन में है। इब्ने मुसय्यब से, सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह, बहुत बड़े ताबेई हैं, मशहूर ताबेई हैं मुहद्दिसीन के नज़दीक, के इनकी जो हदीस है ये अगर डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम से ही बयान करें तो वो उलमा के नज़दीक कबूल है। हदीस की एक किस्म है मुरसल, और मुरसल हदीस कौन सी होती है पता है किसी को? हाँ, जिसमें ताबी डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम से बयान करें। तो ये इनकिता है, गैप आ रहा है ना इसमें। ताबी तो होता ही वो है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मुलाकात ही नहीं है, तो वो हदीस कैसे बयान कर रहे हैं? इसका मतलब बीच में कोई गिरा हुआ है। तो अब अगर बीच में कोई गिरा हुआ है तो कौन गिरा हुआ होगा? सहाबी गिरा हुआ है। तो अगर सहाबी गिरा हुआ है तो फिर हदीस तो सही है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा मुरसल हदीस में सहाबी गिरा हो। अगर सहाबी गिरा हुआ हो तो फिर तो हदीस सबकी सही हो जाएगी, लेकिन मुरसल हदीस में एक शक होता है कि ये हदीस ताबी ने पहले एक ताबी से सुनी, उसने सहाबी से सुनी। तो सहाबी तो सही होता है, सिका होता है, लेकिन ताबी बाज़ औक़ात ज़ईफ़ होता है। तो इस इतने से डाउट की वजह से मुरसल हदीस एक्सेप्ट नहीं की जाती, लेकिन सईद बिन मुसय्यब की तमाम मुरसल हदीस एक्सेप्ट की जाती हैं। हाँ जी, अब्बू इनके जो वालिद थे वो सहाबी थे, मुसय्यब जो थे वो सहाबी थे, वो अपने वालिद से बयान कर रहे हैं। गलत लिखा हुआ है। हाँ, शेख सुलेमान रोहिली की शरह में ये है कि ये सहाबी थे, काना सहाबियन अन अभी ही काना सहाबियन, और अगर बयान भी कर रहे हैं तो चूंकि ये वाकया बयान किया है, सईद बिन मुसय्यब बयान कर रहे हैं, वाकया सही है। मुरसल ज़ईफ़ हदीसों में से, मुरसल ज़ईफ़ की अकसाम में से, समझ आई बात? इनकी ठीक होती है क्योंकि इनकी जितनी भी मुरसलात हैं वो कहते हैं सहाबी गिरा होता है उसमें, ये सहाबी के अलावा किसी और को नहीं गिराते और सहाबी की सारी हदीसें सही होती हैं। जी, जब ये मुरसल बयान करते हैं तो उसमें जो हजफ होता है वो सहाबी होता है, और सहाबी को हजफ, अगर सहाबी हजफ है तो हदीस सही है, सहाबी सारे के सारे सही है। सहाबी कुल्लुहुम उदूलुन, सहाबी सारे के सारे आदिल हैं, उनकी तमाम हदीसें एक्सेप्ट की जाएंगी। कहा इब्ने मुसय्यब, सईद बिन मुसय्यब अपने वालिद से बयान करते हैं, उनका फिर मशहूर वाकया है, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया था और अपने एक शागिर्द से, बड़ा कहते ना कि उसमें बड़ा लेसन है हमारे लिए आजकल के दौर के लिए, कि इनका एक शागिर्द था वो कई दिन गायब हो गया। तो कहा भाई तुम कहाँ थे? कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, ये पता नहीं क्या मामला था, बिल्कुल जहन से निकल गया। तो फिर वो उसके पास कुछ माल वाल नहीं था, कमाता इतना अच्छा नहीं था, इनकी बेटी को उस जमाने के खलीफा के बेटे से भी रिश्ता आया था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था, उन्होंने वो रिश्ता कबूल नहीं किया। तो लेकिन वो एक तालिब इल्म जो कि इतना ज़्यादा मालदार नहीं था, उससे इन्होंने इसका निकाह कर दिया। और वो जो तालिब इल्म था, जब उसका निकाह हो गया तो अपने घर चला गया, अपने घर में अभी रुखसती होनी थी, हुई नहीं थी। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे नॉक हुई। मैंने पूछा कौन है? कहा सईद। कहते मेरे दिमाग में जितने सईद आ सकते थे ना, सईद बिन मुसय्यब के अलावा वो सारे आए। तो मैं दरवाज़ा खोला और देखा सईद बिन मुसय्यब खड़े हैं, और जब मैंने सलाम किया, को अंदर बुलाया, तो वो उनकी बेटी उनके साथ थी, तो उन्हें अपनी बेटी को रुखसत करने घर पे छोड़ने आए थे। बस वो मतलब उलमा ये बयान करते हैं कि ये इतनी सादगी से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और बड़े रिश्ते को छोड़कर
कह लीजिए कि एक एक तालिब इल्म से उन्होंने अपनी बेटी की बेटे बेटी की शादी की। अब गालिबन इनके बारे में ही है, इतने मुसैब की बेटी है। हाँ, रात गुजारी या अभी 2-3 दिन गुजारे घर पे निकाह के बाद, तो सुबह उठे तो घर से बाहर जाने लगे, तो बीवी ने पूछा, बीवी कौन है? सईद बिन मुसैब की बेटी। ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? हाँ भाई, जहाँ मैं पहले जाता था, सईद बिन मुसैब की महफिल में उस्ताद है, उनसे पढ़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, बैठे, मैं आपको अपने वालिद का इल्म देती, मैं सिखाती हूँ आपको जो मेरे वालिद बताते। यानी सईद बिन मुसैब घर पे अपने औलाद और अपनी बेटियों को वो तालीम दिया करते जो दुनिया को बयान करते थे, और उनकी बेटी भी एक तालिबा थी, दीन का इल्म हासिल करती थी अपने वालिद से। ये उस जमाने के हमारे असलाफ थे। चले जी, लम्मा हजरत अबा तालिब अल वफात, अबू तालिब को जब वफात आई, यानी जब मौत का वक्त आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए, और उसके वक्त इनके पास दो लोग थे, अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया और अबू जहल। फकौल लहु, या अम्मी, ए मेरे चचा जान, कुल, कह दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, ये ऐसा कलिमा है, उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह, अल्लाह के हाँ मैं इस कलिमे को दलील बना लूंगा आपके लिए, अल्लाह से मैं इस कलिमे के बस आप से आपके लिए दलील बना लूंगा। फकौला, दोनों ने कहा, किन दोनों ने? वो जो खड़े थे खबीस, अबू जहल और उनके साथ, कहा क्या? कहा, अतरगबून मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर रहे हो, अपने आबाओ अजदाद के दीन से तुम बेरगबती इख्तियार कर रहे हो? तो फआदा, दोहराया उन्होंने, फआदा अलैहि नबी, इधर नबी अलैहिस्सलाम दोहरा रहे हैं कि एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, फिर उन्होंने दोहराया, क्या उनके दीन से फिर रहे हो? लेकिन आखिर में क्या हुआ, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हुआ आला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब, कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे ही वफात पा रहे हैं। वह अबा यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ला अस्तगफिरन लक, मैं जरूर आपके लिए इस्तगफार करूंगा, मा अलम उन्हा, जब तक मैं मना नहीं कर दिया जाता। फअनज़लल्लाहु अज़्ज़ा वजल, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनु अन यस्तगफिरू लिल्मुशरिकीन, नहीं है लायक नबी के लिए और ईमान वालों के लिए कि वो मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करें। वअनज़लल्लाहु फी अबी तालिब, और अबू तालिब के मामले में ये नाजिल किया, इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, आप उससे आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहते हो, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देता है। मन अहबबता, इसके दो माने हैं, एक तो वाकई दिली मोहब्बत, क्या अबू तालिब से नबी अलैहिस्सलाम को मोहब्बत नहीं थी? कौन सी मोहब्बत? ये कोई शरई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि फितरी मोहब्बत थी, जो बाप को बेटे से होती है, बेटे को बाप से होती है, इसी तरह इनकी अपने चाचा से मोहब्बत थी, तो वो एक फितरी मोहब्बत। या फिर इन्नका ला तहदी मन अहबबता हिदायतहु, कि जिसकी हिदायत को आप पसंद करते हैं उसको आप हिदायत नहीं दे सकते, ठीक है? तो दोनों माना इसमें आ सकते हैं। इनका सवाल यह है कि ये आयतें एक ही मामले में नाजिल हुई लग रही हैं, तो अलग अलग जगह पे क्यों हुई? बात यह है कि ये आयत ज़रूरी नहीं है, जो पहली वाली आयत है ये सिर्फ इस मौके के लिए नाजिल की गई हो। एक आयत के कई शान नज़ूल हो सकते हैं, एक आयत के कई शान नज़ूल होंगे। अभी आगे का चैप्टर आ रहा है, पहले ही गुजरा है कि नबी अलैहिस्सलाम जो फजर में उन्होंने बद्दुआ की थी, पढ़ लिया हमने, तो वो भी 2-3 वाक्य हुए तो एक आयत नाजिल हुई, उनमें से एक ये भी है कि जी उनके लिए मगफरत की दुआ नहीं की जा सकती। इसी तरह इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ये इन्हीं के मामले में नाजिल हुई थी, ये इन्हीं के मामले में नाजिल हुई थी, और बाज़ वक़्त ताखीर भी हो जाती है। दूसरी बात, आयत की तरतीब नुज़ूल की तरतीब से अलग होती है, सही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयत कभी नाजिल होती कहते इस आयत को इस जगह रख दो, इस आयत को इस जगह रखो, ज़ा आयता कदा फी सूरति कदा, इस आयत को इस सूरत में जाके लिख दो, तो बाज़ वक़्त वो आगे पीछे ही नाजिल हुई होती है। सूरह बकरा कितनी बड़ी सूरत है, ये मदनी है, पूरे मदीना के कोई 8-10 सालों में सूरह बकरा जाके नाजिल हुई है, और है सबसे शुरू में।
हाँ जो इकट्ठी नाजिल हुई वो एक जगह, लेकिन जो बाद में नाजिल हुई वो हो सकता है किसी और सूरत में, जो उसके बाद हुई वो अलग सूरत में, और पहले उसके बाद वाली फिर वापस उस सूरत में। ये आयतों की जो तरतीब है ये तौकीफी है, ये नबी अलैहिस्सलाम नहीं बताई है, लेकिन जो सूरतों की तरतीब है ये सहाबा से है, सही। और फिर इस पे इजमा हो गया, अब इसको हम भी चेंज नहीं कर सकते, सहाबा ने की थी। आयतों की तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तो अल्लाह की तरफ से, सूरतों की तरतीब सहाबा ने तय की थी, वो अलग है, वो बाद में बने। जी जी वो बाद में बने, वो अभी उस वक्त के नहीं, उस वक्त सूरतें ही थी। जी इसलिए आप देखें किसी हदीस में ये पारे का तस्करा वगैरह नहीं आता, ये बाद की तकसीम है, सही। बाकी कब बने ये पारे ये मुझे याद नहीं है। जी जिस जमाने में इजमा हो जाए वो तब्दील नहीं हो सकता, एक दफा हो जाए इजमा, मतलब शर्त ये है कि हो जाए, तो सहाबा का ही, जो सहाबा के बाद इजमा नहीं हुआ किसी मामले में, सहाबा का ही इजमा हुआ था, सहाबा के बाद किसी का इजमा हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, कोई ना कोई निकल आएगा अपनी दो ईट की मस्जिद बनाने के लिए, सही। कौन कहते हैं उम्मत का इजमा है? असल में ये अक्सर कहा जाता है कि इस पे उम्मत का इजमा है, यानी किसी ने इस मामले पे इख्तलाफ नहीं किया, सही है, यानी पांच नमाजों पे उम्मत का इजमा है, यानी इस पे किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, पांच नमाजें पढ़नी पड़नी है। वो असल में इजमा को इत्तेफाक से ताबीर करते हैं, इजमा को इत्तेफाक से ताबीर करते हैं कि इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, हालांकि इत्तेफाक और इजमा में फर्क होता है। इजमा उन मामलात में नहीं होता कि जो मंसूस अलग हैं, जिसमें कुरान और हदीस की कोई नस आ जाए, कुरान की आयत या हदीस से हुक्म साबित हो, उसमें इजमा की जरूरत है। इजमा तो होता ही तब है कि जब कुरान ना हो, हदीस ना हो और कोई नया मसला हो, उस पर फिर उलमा जमा होते हैं, किसी मसले पर बैठ के फैसला करते हैं और फिर उस पर इजमा हो जाता है। जैसे कुरान के जमा पे सहाबा का इजमा हुआ था, पहले किसके दिमाग में आई हजरत, हाँ उमर के दिमाग में ये बात आई, उन्होंने जाके अबू बकर को बताई, अबू बकर काफी सोचा, वो भी कायल हो गए, फिर उसके बाद जैद बिन साबित के पास गए, जैद बिन साबित को समझाया, वो पहले नहीं समझे, फिर वो भी कायल हो गए, और फिर क्या हुआ, सबने लिखना शुरू कर दिया, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, पका ना इजमा, तो ये इजमा हो गया, ये होता है इजमा। देखें इत्तेफाक से मुराद ये है कि किसी मसले में ये मसला, इसका जो फहम है ना, ये नस की बुनियाद पर मुत्तफ़क अलैह है, नस की बुनियाद पर मुत्तफ़क अलैह है कि ये सबके नज़दीक आयत का माना यही है, सही है। एक मसला है जो बात का है, उस पर डायरेक्ट कुरान और हदीस दलालत नहीं कर रही, तो फिर उस पर हम ये कहेंगे अब इजमा किया जाए, क्यास किया जाए, इजमा किया जाए, ये होता ही तब है इन द अदम वजूद इन नस्सी, सही। अच्छा वैसे आप उसूल फिक की किताबें देखेंगे ना, तो उसमें आपको यही मिसालें मिलेंगी, इजमा पांच नमाजों पे इजमा है, कुरान पे इजमा है, जिना ना करने पे इजमा है, झूठ ना बोलने पे इजमा है, सही है। लेकिन जब आप मजीद डिटेल में उसूल फिक में उलमा को पढ़ेंगे तो वाजे आपको यही होगा कि इजमा जो है वो उन चीज़ों पर होता है कि जो नस से साबित ना हो, ये तो मुत्तफ़क है, इन पर इजमा होने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है ना। तो अकीदे के मसले में कोई अगर, हाँ हाँ वो इजमा नकल किया, तो वो इजमा ये होता है कि वो इत्तेफाक है। चलिए बहुत ये डिटेल बहस है कि इजमा और इत्तेफाक में क्या फर्क है, बहरहाल आप उसको इजमा ही समझे कि जमी उलमा जमी उम्मत का इस पे इजमा है, इकट्ठी है इस पे उम्मत कि अल्लाह है, सही, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, इस पे उम्मत का इजमा है, सही है। इख्तलाफ इस पे है कि अर्श पे भी है और कहीं और भी है, इस पे इख्तलाफ है। जी हम कहते हैं अल्लाह अर्श पे ही है, अल्लाह बजाते खुद अर्श पे है, सब जगह नहीं है, ये कहना बिदत है। सर एक सवाल है जी, क्या ऐसी अहादीस मिलती हैं जो हजरत अली ने अपने वालिद अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा हो? क्या ऐसी अहादीस मिलती हैं जो इसमें हजरत अली ने अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा हो? नहीं मेरे इल्म में नहीं है। जी चलिए जी अगला चैप्टर खोलें।
بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے. باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم ہوا الغلو فی الصالحین. باب اس بارے میں جو آیا ہے کہ ایک بنی آدم کے کفر کی جو سبب ہے, وجہ ہے, اس کا جو ریزن ہے کہ انہوں نے کفر کیا, وہ ان کے اور ان کے دین کو ترک کرنے کا, دین چھوڑنے کی جو وجہ ہے وہ نیک لوگوں کی ذات میں غلوف کرنا ہے. غلوف کیا ہوتا ہے؟ ہاں, تعریف میں اور برائی بیان کرنے میں حد سے بڑھ جانا, مبالغہ کرنا, جو نہ ہو اس میں حد سے بڑھنا. پڑھیں آگے. جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب, اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو. جی, اے بنی آدم, اپنے دین میں غلوف نہ کرو, غلوف حد سے نہ بڑھو. یہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ اصل جو اس امت میں شرک شروع ہوا, اس امت میں کیا, پچھلی امتوں میں بھی جو شرک شروع ہوا وہ شروع ہی غلوف سے ہوا, حد سے بڑھ جانے سے ہوا. یعنی بدعت بنیاد بنی کس چیز کی؟ شرک کی. اگلی آیت پڑھیں, وہ اس کو سمجھائے گی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قرآن کی آیت ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, وہ کہتے ہیں لا تذرن آلهتكم, کہ بھائی اپنے الہوں کو بالکل نہیں چھوڑنا. ولا تذرن, خاص طور پہ ان الہوں کو, ان الہوں کو تو خاص طور پہ نہیں چھوڑنا. کون؟ ودن ولا سواعن ولا یغوث ولا یعوق ونصر. یہ پانچ کون تھے؟ کون تھے جی؟ جاگ رہے ہیں؟ نیند آ گئی؟ ہاں, یہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی, ہی اسماء رجال صالحین من قوم نوح, قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے, ود سوا یغوث یعوق نصر. فلما ہلکوا, لیکن غلوف کرنے سے کیا ہوا؟ جب وہ ہلاک ہو گئے, جب وہ مر گئے. او حش شیطان الى قومهم, شیطان نے ان کی قوم کی طرف وحی کی. اننسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها, کہ جس جگہ یہ بیٹھا کرتے تھے نا, توجہ ہے, جس جگہ یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے ان کی جگہوں پہ جا کر ایسے لکڑیاں گاڑ دو, ایسے نشانات گاڑ دو. اردو میں کیا ترجمہ کیا؟ پتھر نصب کر دو, چیزیں نصب کر دو تاکہ ان کی یاد آئے تمہیں. وسموھا باسمائہم, اور ان پتھروں کو ان کا نام دے دو. دیکھیں نا کیسے شیطان نے ان کو گھمایا, وہ ہے نا کہ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا, بہت قوموں کو اس شیطان نے ہلاک کیا, گمراہ کیا. ففعلوا فلم تعبد, انہوں نے یہی کام کیا, فلم تعبد, لیکن اس وقت ان کی جی عبادت نہیں کی گئی, ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی. حتی اذا ہلک اولئک, یہاں تک کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا, ان کی جگہ پر یہ ایک پتھر اور لکڑیاں گاڑی, وہ مر گئے. پھر کیا ہوا؟ ونسی العلم, نئی جنریشن آئی, نئے لوگ آئے, پوتے پر پوتے آئے, نسی العلم, علم بھلا دیا گیا. فعبدت یا عبدت, پھر ان کی عبادت کی گئی. اس طرح سے شرک شروع ہوا تھا. بنیاد کیا تھی؟ غلو, حد سے بڑھ جانا, ناجائز طریقے سے. ہاں ہاں, یہی محبت تھی نا, محبت میں ہی غلوف تھا نا. یعنی محبت میں انسان اتنا آگے بڑھ جائے, اتنا اس مقام پہ پہنچ جائے کہ انسان حدود ہی کراس کر دے, جیسے ہمارے یہاں نبی علیہ السلام کی ذات میں غلوف کیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا, ہمیں میم کا پاڑا نہ پڑھاؤ, جو عرش پہ مستوی ہوا خدا ہو کر, مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر. وہی احد ہے, احد ہے, محمد احمد اور احد, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میم کو ہٹا دو بیچ سے. ہک ہے جڑا ہک نو دو جانے, کافر مشرک ہے, یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ غلوب نہیں ہے, نا شاہ مدینہ. کیا ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ. تو کیسے سارے نبی در کے سوالی ہیں بھائی؟ سارے نبی تو قرآن کی آیت ہے, ہم نے ابھی پڑھی تھی, آپ کے سامنے پڑھی تھی.
कहाँ पढ़ी थी? दुआओं की जब, अच्छा ऊपर तफसीर में थी वो, क्या कि यदउना ना रागबा व रहबा, ये युसारिउना फिल खैरात, ये नेकियों में एक दूसरे से जल्दी किया करते थे। यदउना ना अंबिया का तस्करा करके, 16 अंबिया का तस्करा करके क्या कहा कि ये हमें खुशी में, गमी में, डरते हुए, रगबत उम्मीद रखते हुए ये हमें पुकारते थे, और सारे नबी तेरे दर के सवाली। ये कैसे हो गया? तो ये गुलूव है, हद से बढ़ जाना है। यहाँ तक के लोगों ने यह भी कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम का साया नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते थे, गैब दान थे, नबी अलैहिस्सलाम जो थे मुख्तारे कुल थे, ये सारी बातें कहना शुरू कर दी। और जिन्होंने कहा कि बात सही नहीं, उन पर गुस्ताख का फतवा लगा दिया कि ये तो गुस्ताख है, ये भाभी है। हालांकि ये चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ये ना हो तो नबी अलैहिस्सलाम की शान कोई कम नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम की शान इतनी कोई कम नहीं है कि ये चीज़ें हम हटा दें तो वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि ये वो बातें हैं कि जिनसे सहाबा को भी रोका गया। नबी अलैहिस्सलाम वो दाखिल हुए थे ना अबू बकर के घर में, नहीं घर में किसी के, अपने घर में दाखिल हुए थे तो वो बच्चियाँ गाने गा रही थी, ईद का दिन था, क्या गा रही थी, क्या बोल रही थी, वफीना नबी युन या अलमु माफिल गद, कि हमें एक नबी है जो जानता है कल क्या होगा। क्या नबी अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कल क्या होगा, कयामत के दिन क्या होगा? जानते थे, बताया हमें। वो इस नियत से पढ़ रही थी, लेकिन इसमें एक शैबा था जिसका आप लोग इनकार कर रहे हैं, और वो क्या कि गैब का इल्म नबी अलैहिस्सलाम को नहीं है। तो नबी ने कहा नहीं, ये नहीं बोलना। इतना बड़ा वाक्य इफ्क हुआ, नबी अलैहिस्सलाम की जौजा मोहतरमा पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। अम्मा आयशा कई दिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जौजा से बात नहीं की। अम्मा आयशा कहती हैं 2 रातें 3 दिन 2 दिन 1 रात मैं मुस्तकिल रोती रही, यहाँ तक कि मुझे अब लगा कि मेरा कलेजा फट जाएगा। उस रात मेरी आंखों ने कोहल नहीं लगाया, इतने शदीद गम में थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को उस मामले की हकीकत नहीं मालूम हुई जब तक जिब्रील नहीं आ गए। ला यालमुल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। वा मफातीहुल गैब 5, गैब की चाबियां 5 हैं। ला यालमुहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो इस तरह से गुलूफ करना, अल्लाह के नबी ने खुद कहा। आगे हदीस आ रही है, हाँ हदीस पढ़े। इमाम अब्दुल इब्नुल कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुतअद्दिद असलाफ अहले इल्म का कौल है कि जब वो मर गए तो औलन ये लोग इनकी कब्रों के मुजाविर बने। हाँ, कौला गैर वाहिद मिन सलफी, सलफ में से कई एक का फरमान है, लम्मा मातू, जब ये लोग मर गए, आकफू अला कुबूरिहिम, ये इनकी कब्रों के मुजावर बन के बैठ गए। सुम्मा सव्वरु तमासिलहुम, फिर इनकी तस्वीरें बना दी, मूर्तियां बना दी। सुम्मा ताल अलैहिमुल अमदु, फिर एक मुद्दत गुजरी, फअबदूहुम, फिर इबादत हो गई। पहले दिन शैतान ने नहीं कहा चल भाई मर गए इबादत कर, चल भाई शिरक कर, ये नहीं कहता शैतान। वक्त गुजारता है, लोगों का इल्म भुलाता है, इसलिए कहते हैं इल्म पढ़ना जरूरी है, इंसान भूल जाएगा चीजें। तस्वीरें लगाना घर में, उनकी ताजीमन तस्वीर लगाना इसलिए हराम था कि घर में लगाएंगे तो उसकी अजमत होगी, फिर वो बुत में तब्दील होगा, फिर उसकी इबादत शुरू हो जाएगी। इसलिए शरीयत ने हर उस रस्ते को ही बंद कर दिया जो शिर्क की तरफ लेके जाता है। 2-4 बाब बाद यही बात आएगी, और ये बात भी इसी बात से है, ये बात भी यही बता रही है कि शरीयत ने हर उस दरवाजे को जो शिर्क की तरफ लेके जाता है उसको बंद कर दिया। कब्र की ताजीम, कब्र की ताजीम शिर्क की तरफ लेके जाती है। कब्र पे जाकर इबादत करने से ही मना कर दिया, कब्रों को पक्का करने से ही मना कर दिया, कब्रों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से ही मना कर दिया, कब्रस्तान में नमाज पढ़ने से मना कर दिया। क्यों? कल को इसकी इबादत हो सकती थी, शिर्क हो सकता था। तो यही हुआ, गए तस्वीरें बनाई, बिदत की, पहले बिदत हुई, गुलू हुआ, फिर उनकी इबादत हो गई। आगे पढ़े हदीस पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी जात में गुलू नहीं करना। क्या फरमाया? अरबी पढ़े, ला तुतरोनी कमा अतरतिन नसारो नसार इब्न मरियम। हाँ, ला तुतरोनी, मुझे मेरी तारीफ में इतना ज्यादा हद से ना बढ़ जाना, कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम या इब्न मरियम, कि जैसे नसारा ने इब्न मरियम को उनके मकाम से ऊंचा कर दिया। क्या कहना? बेशक सिवाय इसके मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अब तो बंदा हूँ अल्लाह का, मुझे बस अल्लाह का बंदा और रसूल ही कहना। तो ये हमारा दीन है, और हद से बढ़ जाना ये जो है ये इस्लाम मुखालिफ है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलुवा, गुलुव से बच जाओ, बेशक तुमसे पहले कौमें हलाक ही, इन्नमा अहलका मन काना कबलकुम अलगुलू, तुमसे पहले कौमों को हलाक ही इस गुलूफ ने किया था। हद से बढ़ जाने को गुलूफ कहते हैं, और पिछली कौमों को हलाक ही इस गुलूफ ने किया था। यहूद हद से बढ़ गए, किस चीज में? मतलब वो किसी की मदा में हद से नहीं बढ़े, लेकिन
بےدینی گناہ کرنے میں وہ حد سے بڑھ گئے, صحیح, اور نصارہ یہ غلو میں حد سے بڑھ گئے. یہ نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا, ٹرینیٹی کا عقیدہ, ثالث الثلاثہ, کہ یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں, اس کا عقیدہ بنا دیا. خلق المتنتعون قولہ ثلاث, یہ متنتع ہلاک ہو گئے. متنتع کون ہے؟ کہ جو تکلف کرتے ہیں, یہ بھی کہہ لیجیے غلو والے لوگ ہیں کہ جو غلو کرتے ہیں. فرمایا, تین بار فرمایا کہ ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو گئے, یہ متنتعون. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غلو سے بچا لے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت کی فہم اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جی کوئی سوال؟ تم کھڑے ہو گئے پہلے بھائی, اپنی ہونی اذان. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا کہ جو یہود ہیں وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, لیکن ان میں شرک یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا, یہ شرک ہوا. موسیٰ تو بڑے تھے, وہ تو دعوت دے کے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے کے اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے تو وہ 40 سال کا پیریڈ بھی پورا ہو کے نہیں دیکھا, اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, پھر حضرت عزیر آئے اور یہ ان کو پھر اللہ کا بیٹا مانتا. یہ میرے علم میں نہیں ہے. اسرائیل میں کئی انبیاء آئے, کئی رسول آئے, اور انہوں نے ان کا قتل کیا, اور پھر ظاہر ہے یہ گناہ بھی کیا انہوں نے. عزیر کو ابن اللہ کا قرآن کی آیت ہے. اچھا اللہ عالم, میرے علم میں نہیں ہے, مجھے بھیجئے گا. ہاں بھیجئے گا, بیان کریں گے انشاءاللہ, اس کی سند بھی بھیجئے گا. عبادت میں غلو کیسے؟ دیکھیں حد سے بڑھ جانا غلو جائز نہیں ہے. ایاکم والغلو, غلو سے بچ جاؤ. اب حد کیا ہے عبادت کی؟ کہ جو سنت سے ثابت ہے اس سے زیادہ کیا جائے, اس سے زیادہ کیا جائے, یہ حد سے بڑھ جانا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ویسے غلو کہا جاتا ہے کہ کسی کی تعریف میں اور کسی کی برائی بیان کرنے میں حد سے بڑھ جانا, یہ ہے. کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جانا, یہ ہے غلو. السلام علیکم سر. نہیں آپ تعریف میں حد سے کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ محبت ہوتی ہے نا, مطلب محبت اتنی ہو جائے کہ آپ اس کی تعریف میں اتنا حد سے بڑھ جائیں کہ وہ آپ جائز حد کو کراس کر دیں. سر اس کے مقام سے اوپر لے جائیں جو اس کا مقام نہیں ہے. یعنی یہاں نبی علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے دیا بعض لوگوں نے, حضرت علی کو خدائی کا, رسالت کا درجہ دے دیا, ان کی ذات میں غلو کر دیا. اب یہ محبت ہی تو تھی, ٹھیک ہے. آپ یہ کھلے عام لوگوں کو ذرا بتائیں تو کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے, عالم الغیب نہیں تھے, ان کو برداشت نہیں ہوگی یہ بات. تو یہ محبت میں ہی حد سے زیادہ بڑھے ہیں. حضرت علی کے بارے میں بھی یہی ہے کیا کہ بعض کا عقیدہ ہے کہ یہ شیعوں میں بھی لیولز ہیں نا, تو اس زمانے کے جو شیعہ تھے یا روافض تھے ان میں جو سب سے ہلکا ہے وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر جو ہے حضرت عثمان سے افضل ہیں, پھر اس سے اوپر کا درجہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر, حضرت علی جو ہیں یہ, میں نے پہلے حضرت عمر بولا تھا, ہاں حضرت علی جو ہے یہ حضرت عثمان سے افضل ہیں, ان سے اور سخت ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے افضل ہیں. انہوں نے کہا پھر ایک لیول ہے وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہیں. ہیں افضل, خلافت یہ چار ہے, لیکن علی جو ہیں ابو بکر سے افضل ہیں, حقدار یہ تھے خلافت کے. بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رسالت کے بھی حقدار یہ تھے, جبریل آ رہے تھے علی کے پاس, چلے گئے وہاں پر. بعض اس سے بھی اوپر ہیں جو علی کے خدائی کے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا ہیں, علی خدا ہیں, علی کے اندر خدا کی روح ہے. تو یہ لیولز ہیں ان کے بھائی. تو یہ کیا ہے, یہ غلو ہی تو ہے. آپ کے بعد جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے تو ہوئیں, بعد بھی ہلاک ہوئیں اسی وجہ سے, ٹھیک ہے. جی آن لائن کوئی سوال؟ ایک سوال ہے سر, ہم فوٹوگرافس ہارڈ فارم میں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ فوٹوگرافس ہارڈ فارم میں, ہارڈ کاپی؟ جی. انسانوں کی, جاندار کی؟ جی. نہیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ علماء نے اگر اجازت دی ہے تو اکثر نے جو اجازت دی ہے وہ ہارڈ نہیں سافٹ کاپیز کی دی ہے, اور سافٹ کاپیز بھی صرف ضرورت کے وقت لینی چاہیے. یہ سیلفی کلچر سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے تصویریں نہیں لینی چاہیے.
क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है क़यामत के दिन सबसे शदीद जो अजाब होगा वो किनको होगा, तस्वीरें लेने वालों पर। अब कोई कहे भाई ये तो हाथ से बनाई हुई तस्वीरें थी, तो हदीस में तो ये अल्फाज नहीं, हदीस में मुसव्विर के ही लफ्ज़ हैं। आज मोबाइल से तस्वीर लेने को लेने वाले को मुसव्विर कहा जाता है, जो तस्वीर होती है उसको तस्वीर कहा जाता है। जी आप इसको प्रिंट कर लें फिर क्या होगा। अब आप एक चीज हाथ से बना रहे थे, पहले जमाने में मूर्ति हाथ से बनती थी, आज अगर 3D प्रिंटर से बना ली जाए फिर क्या ख्याल है? हाँ हाँ प्रिंटर को अजाब होगा, आपको होगा, सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए इन्नल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन, हलाल भी वाजे है हराम भी वाजे है, इसके दरमियान बहुत सी चीज़ें हैं उमूरुन मुश्तबिहात, जो मुश्तबे हैं। सही, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो इनसे बच गया उसने अपने ईमान को बचा लिया, और जो मुश्तबिहात में पड़ जाता है बहुत करीब है कि वो हराम में दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए कम अज़ कम ये तस्वीर का मामला पर्सनल यूजेज के लिए ये मुश्तबिहात में से है। सही, दीन के काम के लिए, ज़रूरत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए, तालीम के लिए, इसके लिए ज़रूरत के लिए उलमा ने इजाज़त निकाली है, बाज़ उलमा ने तो इसके लिए भी नहीं निकाली। शेख अल्बानी का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इस पर, वो कहते हैं दीन के लिए भी वीडियोस यूज़ नहीं की जा सकती। बाज़ उलमा का आज मौक़िफ़ है, वो कहते हैं पिक्चर नहीं जा सकती, वीडियोज़ ली जा सकती हैं। और बाज़ का ये मौक़िफ़ है इसी से कि जी ये वीडियोज़ भी लेनी है पिक्चर्स भी लेनी है तो ज़रूरत के लिए लेनी है। ये हदीसें कहाँ जाएंगी? ये कहा जाएगा कि जो उसमें रूह डालो और फिर नहीं डाल सकेंगे। तो जो अक्स होता है, अब आ जाए इस बात पे, अब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें कि वो अक्स है, क्या अक्स में रूह डाली जा सकती है? नहीं जा सकती, रिजल्ट वही है, चाहे नाक यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, रिजल्ट वही है। सर ये बात जानवरों की तस्वीरों के लिए भी है? ये हर जानदार की तस्वीर के लिए है, जिसका ये फेशियल फीचर्स हैं, ये आंख को कहा जाता है ये तस्वीर है, आंखें जिसमें है, फेशियल फीचर्स जिसमें है वो तस्वीर है। अगर आप फेशियल फीचर्स मिटा दें तो वो तस्वीर से बाहर आ जाएगा। हाँ आंखें ना बनाए, एनिमेटेड मूवीज नहीं, उसमें अगर देखे ना एक कैरेक्टर बनाया हुआ है जो कि जानदार की तरह नहीं है, ठीक है, आपने एक नॉर्मल सा कैरेक्टर बनाया जो एक जानदार से मुख्तलिफ है, तस्वीर शक्ल आंख नाक मुंह नहीं है, या उसकी बिल्कुल एक स्माइली फेस की तरह बना दिया, तो फेशियल फीचर्स नहीं है तो वो बनाए जा सकते हैं। हाँ पोलो का शाइन जो होता है, हाँ तो वो उसमें घोड़े की जो शक्ल है वो आप मिटा दें। कैसे मिटाएंगे बताऊं मैं? ब्लैक मार्कर लें, उसके मुंह पे कलर कर दें। और एक सवाल ये कि जैसे आजकल बच्चों के खिलौने हर चीज चेहरों पे है हर चीज, तो ये इस देखिए खिलौनों की इजाजत है, खिलौने क्योंकि गुड़िया के हुक्म में आते हैं, डॉल्स के हुक्म में आते हैं, तो इसकी इजाजत है बच्चियों के लिए। बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। तो हाँ वो जो बेयर है ना अपने साथ जो नूनू बना के लेके सोते हैं वो, उसकी इजाजत नहीं हो रही। जो भालू वगैरह होते हैं कहते हैं कि मतलब कि इनको भी नहीं रखना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बच्चियों के लिए गुड़िया की इजाजत है और उसी से रिलेटेड जो खिलौने हैं उसकी। लेकिन इसमें फिर ये ना हो कि बच्चे तस्वीर वाले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बच्चे जो है उनके घरों में तस्वीरें लगी हुई हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं कि जी इजाजत है, ये नहीं होना चाहिए। एक मिनट जी, तस्वीरों पे शयातीन बैठे होते हैं ये तो मैंने नहीं सुना। जिस घर में तस्वीर होती है उसमें फरिश्ते नहीं आते, ठीक है, ये हदीस है, ठीक है। हजरत जिब्रील नहीं आए कि जी वो उधर तस्वीर थी पर्दे पे, तो आयशा ने उसको लेके पलट के उसके खिलाफ बना दिए। एक मिनट, गुड़िया तस्वीर नहीं है और इसकी अहादीस में इजाजत है। अम्मा आयशा की भी एक घोड़ा था उनके पास कि जिससे वो खेला करती थी, तो बात यह है। और उसकी भी बात रिवायत आती है कि उसकी आंख और जो मुंह था वो तब्दील था, और रास सुअर उसका जो चेहरा है वो सूरत है। लेकिन बच्चियों की तालीम के लिए, चूंकि बच्चों ने खवातीन ने बच्चियों ने बड़े होके जाहिर है एक नस्ल आगे बढ़ानी है, उनकी तरबियत करनी है, बच्चे पालने हैं पैदा करने हैं, उनको संभालना है, उनकी उनसे मोहब्बत बढ़े प्रैक्टिस हो, इसके लिए इसकी इजाजत है। बाकी उलमा से आप फतवे पूछ सकते हैं ले सकते हैं। जी नहीं ये इजाजत है कि ये असल में देखें सुने, अब आपने मसला छेड़ा, ये तस्वीर जब आप लगाते हैं तवज्जो है, तस्वीर आप लगाते हैं, तस्वीर ऊपर लगी हुई है, उधर ना गंदगी जाएगी, ना किसी का पाँव लगेगा, ना उसकी कोई तौहीन होगी, ना कोई हुरमत होगी, बल्कि और इज्जत होगी।
सही है, उस पर कपड़ा मारा जाएगा, सफाई होगी। लेकिन जो ये डॉल है या जो इस तरह का खिलौना है, वो कहीं गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, बच्चे चढ़ रहे हैं उस पर, बैठ रहे हैं, उठा के दूसरे को मार रहे हैं, डॉल की टांग निकाल दी, सर निकाल दिया, बाल खींच लिए, कपड़े उतार दिए, दूसरे पहना दिए, उस पर लिख लिया, तो ये इज्जत नहीं हो रही, ये उसकी इहानत हो रही है। तो ये सिर्फ ये इस हद तक इसका जवाब है। जी मुसव्वरी इसलिए मना है कि ताजीम हो सकती थी, और ताजीम में ये शिर्क की तरफ ले जा सकते, यही है ना कि उन्होंने पहले उनकी तस्वीरें बनाई, मूर्तियां बनाई, तो इसलिए वो उधर ले जाता था। आज जरा ये शहबा काम है, इसलिए हो सकता है। नमाज जहां तस्वीरों वहां नहीं पढ़नी चाहिए, डॉल साइड पे कर दें फिर पढ़ ले नमाज। मुझे ये सही से, मैंने अभी दोबारा कहीं फतवा देखा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आ रही है नमाज हो जाएगी, बहरहाल दोबारा देख लूंगा मैं, ठीक है। नहीं ये मेरे इल्म में नहीं है, आईने में सामने नमाज हो सकती है, कोई मसला नहीं, अपने आप को ही देख रहे हैं ना। हाँ खुशू में मसला हो सकता है कि आप नमाज पढ़ने खड़े हुए और आपने सॉक्स को देख रहे हैं, अपने पैंट को देख रहे हैं, कितना स्मार्ट हो गया मैं, है जी, पेट पेट बाहर नहीं अंदर हो गया, ये तो फेक की हो गई जी। जैसे आजकल जो है इस्लामिक वीडियोस बन रही है कार्टून्स के ऊपर सिखाने के लिए बनाते हैं, तो ये शुरू में तो इसका यही फतवा था कि कार्टून्स नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, इसको फिर अभी दोबारा देख लेंगे, कार्टून्स दीन की दावत के लिए बनाए जा सकते हैं या नहीं इसको देखना पड़ेगा। और वैसे कार्टून्स देखना जैसे बच्चे देखते हैं ये टॉम एंड जेरी वगैरह ये सब, टॉम एंड जेरी और इनमें तो म्यूजिक भरी पड़ी है, ठीक है, वो मजे के होते थे हमारे जमाने में, आज के बच्चे टॉम एंड जेरी नहीं देखते, बोरियत होती है उनको जी, आज वो बच्चे देखते हैं जो आप कहें तौबा कर ले अपने, तो भाई ये क्या देख रहे हैं। बहरहाल कुछ अगर शरिया कंप्लाइंट कार्टून्स हो तो वो, हाँ कार्टून मेकिंग इसका पहले फतवा देखें, और शरिया कंप्लाइंट वीडियोस हो जिनमें कुछ कैरेक्टर्स हो वो देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर कार्टून बिल्कुल इंसानी शक्ल में बना हुआ है तो फिर उसको देखना पड़ेगा। चलें जी, हो गई किताब तौहीद, सुभानक अल्लाह वबिहम्दिक। शेख साहब नबियों की कहानियां आती हैं, किसकी नबियों की कहानियां कार्टून्स के उसमें आ रही होती हैं, तो वो बच्चों को दिखाना जायज है क्या? नबियों की कार्टून्स बनाना जायज नहीं है। अच्छा फिर क्या होती है? आंखें शक्ल नहीं दिखाते तो फिर सही है, देखें इंशाल्लाह, नाम लिखे होते हैं कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, कार्टून में जरा मसला है, वो देखना पड़ेगा। चलें जी सुबह को